गर्फ हेलो। हाँ सर, चालू कर रहे हैं। प्लीज। गुड इवनिंग, आप सबको नमस्कार। आज का हमारा एक बहुत ही विशेष प्रोग्राम है और इस विशेष प्रोग्राम के अंदर हमारे पास विशेष लोग हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो लोगों ने प्रण लिया है कि हमारे जीवन को, हमारी पीढ़ी में और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, वो सभी चीजें आज के कार्यक्रम में हमें जानने को मिलने वाली हैं। इस कार्यक्रम में देवराई फाउंडेशन हमारे क्वास ट्री प्लांटेशन के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। ये देवराई फाउंडेशन में धनंजय सेठवाले सब जो फाउंडर मेंबर हैं, रघुनाथ डोले सर और शिवाजी शिंदे सर, ये इन्होंने देवराई फाउंडेशन जो है बनाया है। और सेठ वाले सर के बारे में मैं अगर बताऊं कि इन्होंने 135 जो स्पेसीज हैं उसके 550 वैरायटी पैदा की हैं और 10 वर्षों से ये देवराई फाउंडेशन के अंदर काम कर रहे हैं, सह्याद्री को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, एनजीटी में काम किया है और जो नेटिव झाड़ हैं वो लगाने के लिए इन्होंने अभी तक बहुत काम किया है, प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक मुक्त करने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और साइकिल जो है उसको प्राथमिकता देने के लिए, इस प्रकार से बहुत सारे ये काम कर रहे हैं। इन्हीं के साथ ही रघुनाथ ढोले सर जो हैं वो देवराई फाउंडेशन से हैं और आज हमें खुशी है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के दर्शन करेंगे जिन्होंने कि लगभग 10 लाख पेड़ जो हैं अभी तक वो लगा चुके हैं और उनकी ये जर्नी चली रही है, शायद वो उनका टारगेट अभी चलता ही रहेगा। दूसरे आज के कार्यक्रम में श्री रमेश रमन सर हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग से हैं,
He is a postgraduate in international economics from Mumbai University. He started his career Tata Group में international business में उन्होंने काम शुरू किया, फिर उन्होंने leather और allied business में अपना consultancy शुरू किया, और अभी 2000 से वो art of living के साथ में जुड़े हुए हैं. हमारे लिए आज और गौरव का विषय है कि टाटा मोटर के जो एनवायरमेंटल डिवीजन है उनके बहुत ही सीनियर लोग श्री शिवदर्शन आंबेकर साहब जुड़े हुए हैं. म्यूरेस कुलकर्णी सर है, मिस्टर पीटर डिसूजा है, और उसे हनीवी स्कूल है वो उसे छीनमठ बसवराज सर हैं जो डायरेक्टर हैं एनजीओ में नमावरू, और रूरल एजुकेशन में उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है. डॉक्टर सचिन रोहिणी डीवाई पाटिल से हैं, और मिस्टर अगाटे जो हैं वो रोटरी क्लब सतारा से हैं, रोटरी क्लब के चेयरमैन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. श्री अनिके संजीवन संगले सर जो हैं वो सेक्रेटरी हैं चिकली मौसी चौली फेडरेशन के. अभी हाल ही के दिनों में जब कोविड के दौरान स्कूल बंद पड़े हुए थे और स्कूल अपनी मनमानी कर रहे थे, तो उन्होंने स्कूल की लेबर को लेकर के वो चीफ मिनिस्टर तक गए, उन्होंने कामयाबी मिली. ऐसे तो उनके बहुत सारे काम हैं. एसटीपी प्लांट एक गलत जगह पर लग रहा था नदी के किनारे, उन्होंने उसको वो हाईकोर्ट तक पहुंचे और उन्होंने उसको रुकवा करके नई जगह शिफ्ट करने का काम किया है हाईकोर्ट तक जाने के लिए. और वो दोस्तों के दोस्त हैं, सभी की सहायता करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है. चिकली मौसी चरौली एरिए में संजीवन सर बोलो तो सबके एकदम से वो चेहरा हंसता खेलता चेहरा एकदम से नजर आ जाता है कि जो उनकी सपोर्ट के लिए कभी भी पहुंच जाएगा. दूसरे आज के प्रोग्राम में हमारे एक और यंग दोस्त हैं अनिकेत प्रभु, जो फाउंडर मेंबर हैं खेरगांव सोशल फाउंडेशन के, और जिन्होंने 39 टाइप की एक्टिविटी इस फाउंडेशन के थ्रू ली है. और अभी हम किसी हॉल में बैठे होते हैं तो मैं अगली जो बात बताने जा रहा हूँ शायद ये सब लोग जोर जोर से तालियां बजाते कि उन्होंने अभी तक 52 टाइम्स ब्लड डोनेशन किया है, 52 टाइम्स. तो मैं उनके लिए क्लैप करता हूँ. और जब कोविड के दौरान जब ऐसी स्थिति आ गई कि ब्लड बैंक में ब्लड ही खत्म हो गया, तो उन्होंने फटाफट दो ब्लड कैंप लगाए और 300 लोगों से डोनेशन कराया. वो यहीं पर नहीं रुके, उनकी जर्नी और आगे बढ़ती गई. और इस महामारी के दिनों में जब लोगों के पास खाने पीने का भी नहीं था, तो उन्होंने 1000 लोगों के लिए 57 डेज तक कॉन्टिन्यूस फूड का अरेंजमेंट किया. और इस प्रकार से अभी वो बहुत सारे और काम कर रहे हैं, पवना नदी की स्वच्छता रखने के लिए जितने भी नाले हैं वो उसमें ना जाएं, उसके लिए उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है. और मुझे पता चला है कि कल ही वो खंडाला के पास किसी एक आदिवासी जा रहे हैं जहां पर वो कंबल बर्तन और राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो आज का हमारा जो पैनल है वो बहुत ही पावर पैक्ड है, और आज का जो विषय है वो भी भरपूर बहुत बहुत जो हमारे जीवन को बदलने वाला है. आज हम अगर इतने सारे ट्री लगाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी. तो इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको अपना जो महाराष्ट्र CHS एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर है, ये सेंटर ने जैसे आज का प्रोग्राम हो रहा है ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, और अभी तक हम 13 ऐसे वेबिनार प्रोग्राम अरेंज कर चुके हैं और आगे हम करते ही जाएंगे. हमारे पास 10 प्रोग्राम और आगे के तैयार हैं जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंटरनेशनल योगा डे, सोलर पावर जैसे मुख्य विषय हम आने वाले दिनों में लेने वाले हैं.
और हमारे पास महाराष्ट्र से एक्सपर्ट जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और अभी लगभग 30 प्लस एक्सपर्ट हो गए हैं। हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है कि जो प्रोग्राम में हमारे फैकल्टी बताते हैं वो उनके विचार हैं, और ये एजुकेशन सेंटर का मोटो ये है कि हम हाउसिंग सोसाइटी के साथ में कैसे जुड़ें, वहाँ पर कैसे स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन हो, कल्चर आए, हेल्थ आए, हजीन आए, केयरिंग आए, ये सब हमारे मोटो हैं। अभी इसी के साथ मैं देवराई फाउंडेशन से बुलाता हूँ श्री धनंजय सेडवाले सर को। मैं एक मिनट, चलिए मुझे एक सेकंड लगेगा ये स्लाइड निकालने में और उनका स्लाइड डालने में। बात करते रहता हूँ सर, सो वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम एंड वी कैन कैच अप द मीटिंग शेड्यूल। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं धनंजय सेठवाले। सबसे पहले हम लोग किसी भी अच्छे काम की जो शुरुआत करते हैं तब हम लोग बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, तो वही मैं आप सभी को बोलता हूँ श्री गणेशाय नमः। सर मेरी आवाज आ रही है? एकदम सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर है। सो शुड आई कंटिन्यू? यस सर। ओके, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसके साथ और दो चैंटिंग कहना चाहूंगा। आप मन ही मन में मेरे साथ साथ उसको भी आप कहिए, मेरे बाद उसको कहिए। वो बातें हैं आज का जो आज अपना जो सब्जेक्ट है वो है नेचर कॉन्जर्वेशन। इज नॉट ओनली अबाउट द ट्री प्लांटेशन, इट इज अबाउट द नेचर कॉन्जर्वेशन इन टोटैलिटी। उसके लिए फिर दो मंत्रा है, और आज ही नहीं हर रोज सुबह उठने के बाद गणेशा को जब हम लोग वंदन करेंगे, अपने ईश्वर को जब वंदन करेंगे, तो उसके बाद ये भी आप बोलना और उसके लिए कार्यरत रहना, वो है वसुंधरा मैया की जय। ठीक है, और उसके बाद और एक है जिसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते, और अभी जो अनिकेत साहब के बारे में भी जिक्र किया, हम लोग सब जानते हैं अपनी नदियाँ जिनको हम लोग माँ मानते हैं, जिसके लिए अगर हम लोग एक बार बोले भारत में, बोलो गंगा मैया की जय, तो ये दो बातें या ये जो मंत्रा है, दो मंत्रा वसुंधरा मैया और गंगा मैया, इनको हम लोग हर रोज नमन करें और उनको बचाने के दृष्टिकोण से हम लोग जो भी काम कर सकते हैं वो हम लोग करें। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर ने मौका देवराय फाउंडेशन को दिया इस लेक्चर समझो या इंटरेक्टिव सेशन के शुरू में ही। मैं आप सभी को एक थोड़ा सा छोटा सा एक्सरसाइज देना चाहता हूँ। अपने पास आधा घंटा है, 45 मिनट मुझे गर्ग साहब ने दिया हुआ है, जयवंत साहब ने दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ इसके दरमियान आप लोग अपने यहाँ जो चैट बॉक्स है उसका इस्तेमाल करके आपको कितने अपने यहाँ के नेटिव स्पीसीज या जो पेड़ है उनकी जानकारी है उसके बारे में आप उसमें लिखें। मैं चाहता हूँ कि नेचर से जुड़ने के लिए हम लोग ये एग्जरसाइज करें, खुद को पूछें हमें कितने सही में पेड़ पौधे या बुशेज जिनको बोलते हैं, यानी कि हम लोग मराठी में झुड़पा ऐसा बोलते हैं, तो ये सब हम लोगों को मालूम है। तो कृपा करके एक 15-20 मिनट में आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें और वो आप लिख के निकालें। एंड ऑफ द ये जो है प्रेजेंटेशन पीपीटी, कुछ हम लोगों ने वहाँ पर लिस्ट निकाली हुई है, वो पता चलेगा आपको अपने यहाँ की जो ब्यूटी है, अपने यहाँ की डाइवर्सिटी जो भी है, अपने वेस्टर्न घाट्स की, अपने सह्याद्री की, वो आपको पता चलेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ या आप लोग खुद को पूछें कि सही में हम लोग जो रोज़मर्रा की अपनी जो ज़िंदगी है उसमें खुद के लिए तो हम लोग जीते ही हैं, अपने फैमिली के लिए बिल्कुल हम लोग जीते हैं, अपने प्रोफेशन के लिए अरे वो तो हम लोगों ने खुद को जैसे उसके लिए समर्पित किया हुआ है, लेकिन इससे परे हम लोग समाज के लिए, समाज यानी कि उसमें खास करके हम लोग जब समाज बोलते हैं तो हम लोगों को जो मैनकाइंड बोलते हैं, जो यानी कि मानव जो है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, उसके बारे में हम लोगों को ख्याल आता है। उसमें सिर्फ मैं और एक ऐड करना चाहूँगा, वो है अपना इन्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग जो जीवित है वो जीवित है इस इन्वायरमेंट के कारण। अब ये जो इन्वायरमेंट है उसने सब कुछ हम लोगों को दिया हुआ है, और उसमें क्या क्या दिया है,
ये जो फूड हम लोगों को फार्मर से मिलता है वो कौन तैयार करता है? कहने के लिए फार्मर्स किसान तैयार करते हैं, लेकिन उसके लिए सही मायने में हम लोगों को, अगर ये मदर अर्थ जिसको बोलते हैं, ये जो भूमि है, ये जो हवा है, ये जो वायु है और ये जो पानी है जो हम लोगों ने नेचर ने, इस इन्वायरमेंट ने दिया हुआ है, अगर वो ना होता तो किसान या और कोई क्या कर सकता? तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग सही में इसके बारे में सोचे, और जैसे मैंने आपको बोला, आप लोग जब भी इसके इसमें आप चैट बॉक्स में लिखोगे कौन कौन से पेड़ आप जानते हो, नेटिव स्पीसीज आई एम टॉकिंग अबाउट, और मैं आपको ये भी बता दूं, अपने यहाँ शहरों में रेन ट्री का बहुत बड़े पैमाने पे प्लांटेशन हुआ है, वो नेटिव नहीं है, गुलमोहर का हुआ है, नील मोहर का हुआ है, और फाइकस बेंजामिना जिसको बोलते हैं उसका हुआ है, और बहुत सारे, और जैसे पेल्टोफोरम है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है, तो मैं ये चाहता हूँ, सॉरी, तो मैं ये चाहता हूँ कि कृपा करके आप जो नेटिव स्पीसीज है उसके बारे में थोड़ा सोचे और उसके बारे में आप कृपा करके लिखें, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या कंट्रीब्यूशन इस मदर अर्थ के लिए, अपने नेचर के लिए दे रहे हैं, वो भी आप कृपा कृपा करके उसमें लिखें, तो अपनी कमिटमेंट जो भी है, और भी जो वो जो बोलते हैं ना, और भी वो स्ट्रांग हो जाए, और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं तो उसको देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हो जाए। इसके साथ ही मैं ये प्रेजेंटेशन के लिए आता हूँ, गर्ग सर, ढोले सर जो हमारे हैं, हमारे जो चीफ ट्रस्टी है, उन्होंने ज्वाइन किया है क्या? दिख रहे हैं आपको वो कहीं? देख लीजिए, क्योंकि जो हम लोगों को ये जो प्रेजेंटेशन आगे जाएगा उसमें जो नर्सरी का जो हिस्सा आएगा उसमें मैं चाहूंगा कि हमारे जो चीफ ट्रस्टी है मिस्टर आर.एम. ढोली द ट्री मैन, वो इसके बारे में बोले, तो सर आई एम वो टेकिंग फॉरवर्ड। हाँ सर, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, मैं उनको कॉल करता हूँ। उनका अच्छा नेटवर्क प्लीज सर अभी कीजिए। उन्होंने बोला है अच्छा तो ठीक है, मैंने भी कंटिन्यू बोला था, देख लीजिए, ठीक यस। है, नो वरीज। तो इसका जो टॉपिक है, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि एफर्ट्स टुवर्ड्स बॉटनिकल डाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन थ्रू योर पार्टिसिपेशन, ये हम लोग चाहते हैं, एंड वी एट देवराय फाउंडेशन आर टेकिंग एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन। नेक्स्ट सर, ये जो ग्रीन ड्राइव है इसकी शुरुआत जो है ये हमारे जो चीफ ट्रस्टी है रघुनाथ ढोले साहब और उनके फैमिली ने की हुई है, और बाहर से हम लोग चार ट्रस्टीज हैं, एंड आई एम हैप्पी ही फेल्ड और से द ढोले फैमिली फेल्ड, आई एम एलिजिबल फॉर दैट, आई डिजर्व द पोस्ट ऑफ ट्रस्टी, तो आई एम द पार्ट ऑफ दिस देवराई फाउंडेशन, और उदय गुजर साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पुणे के ख्यातनाम, वो भी इसका हिस्सा है। टिल 2019 देवराई फाउंडेशन एंड ढोले सर हैज डोनेटेड 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख पौधे अलग अलग प्रकार के उन्होंने अभी तक डोनेट किए हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेचे हुए हैं, ही हैज नॉट सोल्ड, ही हैज डोनेटेड, तो आप अंदाजा लगाइए इसकी व्यापकता कितनी बड़ी है। हमारी नर्सरी जो है थेऊर का गणपति, जो अष्टविनायक में से वन ऑफ द होली प्लेसेस है सब जानते हैं, वहां से 3 किलोमीटर ईस्ट में ये नर्सरी हमारी, करीबन 3 एकड़ में ये नर्सरी है, और हम लोग इस साल 135 से ज्यादा के अलग अलग वैरायटी स्पेसीज हम लोगों ने लोगों को देने के लिए रखी हुई है वहां पर, लेकिन जनरली हम लोग वहां पर 50 सभी को दे रहे हैं, 135 हम लोग वहां पर देते हैं, जो उसके बाद का आता है पॉइंट वो है सैक्रेड ग्रोव, मैन मेड सैक्रेड ग्रोव बनाने के लिए इतने सारे पौधे, इतने सारे वराइटीज हम लोग डोनेट करते हैं। उसके बाद इसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, शायद से लोगों को यकीन नहीं आता कि अरे यार कोई संस्था या कोई आदमी इस तरीके से कैसे इतना बड़ा योगदान बिना किसी वजह के, बिना किसी हेतु के कर सकता है, तो आप यकीन मानिए, देर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, तो वैसे ही हमारा है, हम लोग विदाउट एनी इंटेंशन और हिडन एजेंडा सही में हम लोग ये डोनेट करते हैं। आज तक लास्ट 15 डेज देर आर पीपल एटलीस्ट 3 to 4 डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स आर विजिटिंग टू आवर नर्सरी, देर आर सम फॉर्मेलिटीज, वो फॉर्मेलिटीज को पूरा करके सिर्फ 6 सवाल हम लोग पूछते हैं, तो 6 सवाल क्या है अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन गर्ग साहब के पास मैंने वो सवाल जो है, वो जो पोस्ट है वो मैंने दी हुई है, वो आप उनसे ले लीजिए, उनको भर दीजिए,
फिर आप मुझे या ढोले सर या फिर हमारा एक एक्टिविस्ट है लाला सो माने, विदाउट विच, विदाउट मेंशनिंग हिज नेम, दिस प्रेजेंटेशन एंड आवर वर्क कांट गो फॉरवर्ड। तो तीनों के नंबर सामने दिए हुए हैं, उसमें आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हो पोर्टल के। नेक्स्ट सर, अब सिर्फ ट्री प्लांटेशन पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा होलिस्टिकली इसको सोचे कि इसकी जरूरत क्या है। हमें मालूम है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हर एक का एक दूसरे के साथ। शायद आप लोगों को मालूम होगा जितने भी स्पीसीज, जितने भी लिविंग बींग्स इस धरती पर है, आपको मालूम होगा कि उसमें से जो ह्यूमंस बोलते हैं, यानी कि हम लोग जो है, हम लोग सबसे आखिर में इस पृथ्वी तल पे आए हुए हैं। तो यहाँ पर रहने का सबसे पहला अधिकार किनका है? बाकी की जो स्पीसीज है, बाकी की जो लिविंग बींग्स है, उनको है। वो क्या क्या है वो हम लोग थोड़ा समझ ले। और जैसे जीवो और जीने तो बोलते हैं, एक थॉट है, तो उस तरीके से हम लोग उसको देखें और उस तरीके से दूसरे जीवों को जीने के दृष्टिकोण से हम लोग जो हैबिटेट है उसको क्रिएट करें। तो इंडिया में यानी कि सबसे जो बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज है वो 17 है, उसमें 7.6% मैमल्स, सस्तन प्राणी जिनको बोलते हैं, वो अपने इंडिया में है। समझ लीजिए 12 से ज़्यादा जो विंग्ड फ्रेंड जो बोलते हैं, पंछी जो बोलते हैं, वो भारत में है। रेप्टाइल जिनको बोलते हैं, यानी कि जिनको बोलते हैं सरपटनारे प्राणी मराठी में हम लोग बोलते हैं, मोर देन 6%। एम्फीबियंस यानी कि जो फ्रॉग्स वगैरह इस प्रकार के जो जीव है वो है 4.4%, और फिशेज जो है दे आर अराउंड 12%। और जो फ्लावरिंग जो प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स ऑफ सह्याद्री करके श्रीकांत इंगल हालिकर सर ने बहुत बढ़िया किताब शुरुआत की और उसके बाद ये तीन किताबें लिखी है जिसमें करीबन 2500 उन्होंने जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके बारे में उसका जिक्र किया हो। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया किताब है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सह्याद्री की, वेस्टर्न घाट्स की क्या ब्यूटी है, फ्लावरिंग ब्यूटी, तो उसको आप जरूर जरूर आप पढ़ लेना। तो वो है 6%। नेक्स्ट सर, अभी इतना जो डाइवर्स अपना ये जो देश है वो क्यों है? क्योंकि वैरीड रेनफॉल अपने पास है, अल्टीट्यूड जो है वो बहुत ही वैरी होता है। आपको शायद से मालूम रहेगा, यानी कि अपने पास ओशियंस है, यानी कि जीरो जो बोलते हैं मीन सी लेवल, वहां से लेके थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड मैं कह रहा हूँ कांचनजुंगा, वो अपने पास है। तो उसकी ऊंचाई जो है इट इज मोर देन 27,000 फीट। तो आप अंदाजा लगा सकते हो उसके कारण फिर टेम्परेचर में वेरिएशन है, और उसके कारण फिर जो टोटल इकोसिस्टम जो बोलते हैं अलग अलग ये जो टेम्परेचर जोन है या अलग अलग अल्टीट्यूड से रेनफॉल है, इसके कारण अलग अलग बढ़िया सा इकोसिस्टम अपने यहाँ बन चुका है। नेक्स्ट सर, अब ये जो स्लाइड है थोड़ा देख लीजिए कि फिर हम लोग आते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली टू द प्लांट्स। तो प्लांट्स की क्या क्या जो बोलते हैं ना वैल्यूज है अपने लिए, वो सब हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है। अगर प्लांट्स नहीं है तो यकीन करिए कि हम लोग नहीं रहेंगे। इसके लिए हम लोगों को प्लांट्स को बचाना, हम लोग तो सिटी ड्वेलर्स है लेकिन गाँव में जो लोग रहते हैं, जो लोग ट्राइबल्स, जो ट्राइबल यानी कि रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो उनके लिए तो इसका महत्व बहुत है। तो इतने सारे उसके फायदे हैं, और हम लोगों के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होना चाहिए, हम लोग जो भी निर्माण करते हैं पोल्यूशन, उसके लिए प्लांट्स का बहुत बहुत महत्व है। नेक्स्ट सर, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है, यानी कि जो टोटली अपना जो एटमोसफेयर है उसमें शायद आपको मालूम रहेगा 79% नाइट्रोजन से ये भरा हुआ है। और फिर अपना जो ऑक्सीजन है वो आप देख लीजिए कितना है। तो ये दो जो गैसेस है इससे अपना एटमॉस्फेयर मेनली बना हुआ है। तो इसको, इसका बैलेंस रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को ये जो प्लांट्स है बहुत काम आते हैं। इसलिए हम लोगों को इनको ठीक तरीके से बचा के रखना चाहिए। इसके अलावा इसके बहुत सारे फायदे हैं, फूड चेन के लिए बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, ये जो प्लांट्स है इनके ऊपर मधुमक्खियां जिनको बोलते हैं बीज, वो पलती है। बहुत सारे बाकी के जो इंसेक्ट्स है वो पलते हैं, जो अपने बर्ड्स है, जो विंग्ड फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं, वो उनके ऊपर पलते हैं, और उनके कारण बढ़िया सा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। उसके कारण ये जो जो डाइवर्सिटी वो बनी रहती है। सॉइल जो है उसका सॉइल एरोजन कम होता है। और सबसे मैंने अभी जो जिक्र किया
और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को ये प्लांट्स बचा के रखना बहुत जरूरी है। और आप सभी को मालूम है ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो मंडला रहा है, और अगर हम लोगों को इफ वी हैव टू एवर्ट, इफ वी हैव टू कर्व द ग्लोबल वार्मिंग, अगर मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रख नहीं सके तो फिर कोविड से तो बच सकते हैं हम लोग, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से बिल्कुल नहीं बच सकेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट की फिक्सिंग द एसी एंड स्विचिंग ऑन द एसी इन द कार एंड देन गेटिंग रिड ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ये ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल इशू। जो क्लाइमेटिक चेंजेस है, जो लहरी हवामान जिनको बोलते हैं, एरेटिक बिहेवियर जो होगा अपने क्लाइमेट का, उसके कारण बहुत बड़ा जो फार्मिंग के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और फूड सिक्योरिटी विल बी एट द स्टेक। इसके लिए हम लोगों को इसको बचा के रखना चाहिए। इसके लिए इट्स नॉट ओनली अबाउट द ट्री प्लांटेशन, इट इज अबाउट सेविंग द एग्जिस्टिंग ट्री कवर जो हम लोगों ने नहीं निर्माण किया है, जो इस ईश्वर ने यानी कि नेचर ने निर्माण किया है। नेक्स्ट सर, अब इसके थ्रेट्स क्या क्या है वो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। ग्रीन कवर को थ्रेट्स क्या क्या है। नेक्स्ट सर, पॉपुलेशन ग्रोथ आपने देखा है, जो 36 करोड़ की आबादी अपने भारत की थी, आज वो करीबन 138 करोड़ तक पहुंच चुकी है, एंड स्टिल वी आर ग्रोइंग, वी आर गोइंग वेरी स्ट्रांग। तो इट्स अ बिग चैलेंज, और इसको हम लोगों को अगर इससे बचना है तो हम लोगों को सही में इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री साहब है, उन्होंने तो जिक्र भी किया लास्ट रिपब्लिक डे को, कंट्रोल द पॉपुलेशन। लैंड यूज जो है वो बहुत सारा बदल चुका है। आप वेस्टर्न घाट्स में जाओ, आप लोग कोंकण जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, जाते वक्त आप देख लो 10 साल 15 साल पहले का जो लैंडस्केप था वो पूरा बदल चुका है। पहले जो हम लोगों को लश ग्रीन दिखता था वो दिख नहीं रहा है। उसका कारण है हम लोग वहां पर फार्म हाउस, हम लोग वहां पर सेकंड होम या वीकेंड होम लेके उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसको आप ध्यान में रखिए, इसके बारे में मैं ज्यादा यहाँ पर अभी बोलना नहीं चाहूंगा। और उसके बाद जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज है अपने, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जमीन है, हवा है या पानी है, उसका जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रेशर इन रिसोर्सेज पे आ रहा है। नेक्स्ट सर, उसके बाद जो आता है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, नॉन नेटिव स्पीसीज हम लोगों ने बहुत सारे लगाए हैं। आप देख सकते हो ये जो नीचे का जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ किसी लॉन का नहीं है, ये फोटोग्राफ है वाटर हाइसिंथ का। ये हम लोगों का भी जनरली सभी अपने नदियों में दिखाई देने लगा है। ये क्या है, ये वाटर हाइसिंथ आया कहाँ से? दिस केम फ्रॉम द लैटिन अमेरिका। और उसका जो राइट साइड में आप देखोगे, जो लैवेंडर कलर का ब्यूटीफुल फ्लावर जो दिखाई दे रहा है, ये और कुछ नहीं है, ये इस वाटर हाइसिंथ का ही ये फ्लावरिंग है। तो मेरा आप सभी को ये कहना है, जब कभी हम लोग प्लांटेशन करते हैं, या हमारे कॉरपोरेशन, या हमारे लोकल बॉडीज, या हमारी गवर्नमेंट, कोई भी प्लांटेशन जब करेगा, इसको ध्यान में रखिए, सिर्फ और सिर्फ नेटिव स्पेसीज को ही आप बढ़ावा दीजिए, नेटिव स्पेसीज को ही आप लगाइए। और इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक जूनियन मैं बोलता हूँ, हम लोग देवराय फाउंडेशन तो है ही, लेकिन एक आईकॉस करके दो लड़कियों का एक प्रॉफिट मेकिंग ऐसा कंपनी है, हु आर इनटू द रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, तो OIKOS.IN, इंडिया का इन। तो उस पे आपको नेटिव स्पेसिस कौन कौन सी है और उसके फायदे क्या क्या है, नॉन नेटिव लगाने के उसके जो ड्रॉबैक्स है वो क्या क्या है, ये सब उन्होंने अपने वेबसाइट पे www.icos.in पे दिया हुआ है। उसको आप कृपा करके जरूर देखें। नेक्स्ट सर, फिर ये विंडमिल्स हमारे लिए आ रही है, हम लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, हम लोगों को हिल स्टेशन जाना है। अब उसके लिए क्या हो रहा है, ये जो अनकंट्रोल्ड जो कमर्शियल टूरिज्म बढ़ रहा है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। ये जो फोटोग्राफ है आप अंदाजा लगा सकते हो, ये जो नीचे का फोटोग्राफ है टूरिज्म का, वो कहाँ का है, अपने यहाँ का जो टेबल लैंड है वो पांचगनी का है। वंस अपॉन अ टाइम दिस वॉज अ ब्यूटिफुल, जो बोलते हैं ना एफिमेरल जो बोलते हैं, जो मानसून में आने वाले जो बहुत बढ़िया से जो फूल है, जिसके लिए कास्ट फ्लैट हो, दिस इज वन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज साइट्स, वन ऑफ दोज ओनली 2 नेचुरल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया।
तो उसमें से एक जो है कास वैसा ये प्लेटू था, लेकिन अनकंट्रोल टूरिज्म के कारण अब वो पूरा बर्बाद हो चुका है। नेक्स्ट, ये सब थ्रेड्स है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर अपने ट्रेडिशन और फेस्टिवल जो हम लोग जिस तरीके से मनाते हैं, आपको शायद से मालूम होगा, लेकिन हम लोग जो ट्रेडिशंस मनाते थे उसमें उस ट्रेडिशन का हेतु ये था, वी शुड गेट कनेक्टेड विद द नेचर, वी शुड कॉन्जर्व देम, वी शुड प्रोटेक्ट देम। लेकिन जिस तरीके से ये जो रिचुअल्स है, जो फॉर्मेलिटीज है, उसमें हम लोग फंस के बैठ गए हैं। उसके कारण हो क्या रहा है, उसका बहुत बड़े पैमाने पे एक्सप्लॉयटेशन फॉर द बैड रीजन हो रहा है। तो हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसमें सेंसिबली हम लोग अपने फेस्टिवल को मनाए, ये हम लोग इसमें आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। नेक्स्ट सर, ये देखिए अभी अभी हुआ 5 जून को। अब आयरनी देखिए, 5 जून को ही ये जो बोलते हैं ना वट सावित्री का जो अपना फेस्टिवल रहता है, वो उस दिन आया जब हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं 5 जून को, तो उसी दिन आया। मुझे आपको कहते हुए यानी कि खुशी होती है, मैं काम करता हूँ सावरकर मंडल जो निगड़ी प्राधिकरण पुणे में है, पिंपरी चिंचवड़ सिटी में है। तो हम लोगों ने इस बार हम लोग अपनी जो बेटर हाफ जो है उनको लेके गए गोराडेश्वर हिल पे, हम लोगों ने तलेगांव के पास बहुत बढ़िया सा कॉन्जर्वेशन का प्रोग्राम किया, यानी कि हम लोगों ने 10 साल से किया हुआ प्रोजेक्ट है, वहां पर हम लोग लेके गए अपने वीवी उनको, हम सभी लोग वहां जाके हम लोगों ने, वहां पर हम लोगों ने जो बनियान का ट्रील हम लोगों ने लगाया हुआ है उसकी पूजा की, और फुटहिल पे आए, नीचे आए, और वहां पर हम लोगों ने बनियान का एक सैपलिंग वहां पर लगा दिया। इस तरीके से हम लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया। ये चाहिए आज की तारीख में, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। जिस तरीके से हम लोग मना रहे उसको थोड़ा सा हम लोग बदले, सिचुएशन को समझे और उस तरीके से हम लोग उसमें बदलाव लाए। नेक्स्ट सर, फिर वही है एक्सरसाइज जो बोलते हैं ना, कलेक्शन जो हम लोग करते हैं, ये उसी ये जो 12 पत्री हम लोग जो बोलते हैं वही है जो हम लोग गणेश फेस्टिवल में इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, उनको हम लोग ठीक तरीके से जीने ही नहीं दे रहे हैं इन सब पौधों को। नेक्स्ट सर, वही दशहरे के दिन होता है अप्टा, हेतु यही था अप्टा, यानी कि बहुनिया, बहुनिया रेसिमोसा उसका बोटेनिकल नेम है, और राइट साइड में जो है कांचन। अब ये दिखने में क्या होता है, इसके जो लीव्स हैं उसके पत्ते थोड़े बहुत समान दिखते हैं फ्रॉम द सेम फैमिली होने के कारण, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनको निचोड़ रहे हैं। हेतु क्या है, ये जो बहुनिया रेसिमोसा यानी कि आपटा जो लेफ्ट साइड में दिखाया हुआ, ये बहुत ही गुणकारी है इस मनुष्य जाति के लिए, उनको उसको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए सही मायने में इसको शुरू किया था। लेकिन आज हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसको हम लोग इतना तोड़ रहे हैं, इतना तोड़ रहे हैं, अब वो दिखना बंद हो गया है। तो कृपा करके हम लोग ये ना करें। हाँ, अगर आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, अपना पौधा लगाओ, उसको बढ़ाओ, उसमें से लिमिटेड अमाउंट में आप उसको निकालो और फिर सेलिब्रेट करो, लेकिन और कोई लगाएगा या जो नेचर ने निर्माण किया है उसको तोड़ना ये गलत बात है। नेक्स्ट सर, रोड वाइडनिंग में इतने सारे पौधे जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आप ही सोचो, जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, अब ये बढ़ने में भी दिक्कत नहीं है, बट देर आर रूल्स। जब हम लोग रोड वाइडनिंग करते हैं उसके किनारे रोड की जो विड्थ रहती है, उस चौड़ाई के बेसिस पे कितने पौधे कितने मीटर्स पे लगने चाहिए, देर आर रूल्स। इट्स नॉट मी और देवराई फाउंडेशन इज टॉकिंग अबाउट, लेकिन क्या हम लोग उतने पौधे हर जगह, इतने सारे रोड्स बन रहे हैं, वी बोस्ट कि हम लोग हर रोज इतना इतने किलोमीटर्स के रोड्स कर रहे हैं, लेकिन क्या उस मात्रा में हम लोग पौधे उसके किनारे लगा रहे हैं, जिसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा, वो नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट, माइनिंग है, अगेन माइनिंग फॉर व्हाट रीजन, अपने अपने लिए। अब उसके कारण भी आप देख लीजिए किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्या ये सही है। नेक्स्ट, अब अर्बन एरिया के जो चैलेंजेस है, यहाँ पर लैंड कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है, इसके लिए कोई भी पौधा लगाना नहीं चाहता है। ह्यूमन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि पौधे या जो हम लोग हैबिटेट निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग जगह ही नहीं रखते हैं। लगाते हैं, परमिशन मिल गया कि बस उसको कोई देखता नहीं है। हम लोग सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं वो थोड़ा सा करें,
इसके बारे में, तो ये समझ में आएगा व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई विश टू गिव यू द मैसेज। फिर सिटीज की साइजेस तो बढ़ती जा रही है, पिंपरी चिंचोड़ में WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो रावेत में है। 6-7 साल पहले 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, रावेत के ऊपर पवना नदी जो है बहुत ही निर्मल और पवित्र थी, ऊपर वाटर हाइसिंथ के इश्यूज नहीं थे। लेकिन उसी वक्त हम लोग, उस वक्त के हमारे जो कमिश्नर साहब थे डॉक्टर श्रीकर परदेशी, द ऑनेस्ट कमिश्नर, द ऑनेस्ट IAS ऑफिसर, उनको लेके गरुड़ेश्वर पे जब गए, वहां पर देखा उस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, आपको यकीन नहीं आएगा, ही हैड अ ग्रेट विजन एंड ही हैज। उसी वक्त वाटर ट्रीटमेंट के जो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव सॉरी चीफ इंजीनियर अपने जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सॉरी लड़कत साहब उस वक्त हमारे साथ थे, उन्होंने लड़कत साहब को बोला इसके बारे में अभी आप लोग लिखो, किनको लिखो, कलेक्टर को लिखो, ताकि उसके ऊपर अंकुश आ जाए। तो ये सब इतनी सारे जो बोलते हैं ना डिफिकल्टीज हम लोग फेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो चेंज इन द लाइफस्टाइल है, वाटर के जो भी बॉडीज है वो पोल्यूट हो रही है, नॉन नेटिव स्पेसिस जो है या मोनोकल्चर है, एक तो एक आप देख लो, मैं रहता हूँ निगड़ी प्राधिकरण में, यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर ज्यादातर मैं कह रहा हूँ बाकी के स्पीसीज है लेकिन उतने नहीं है, वो मोनोकल्चर है। एक तो रेन ट्री लगाया है, या दूसरा मैंने जो बोला फाइकस बेंजामिना, बोथ आर एग्जॉटिक, उसका कोई फायदा नहीं अपने लिए, बस यानी कि वो है कि वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, लेकिन अगर हम लोग नेटिव लगाएंगे तो बहुत सारे उसके फायदे हमें मिल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम लोग जो रहते हैं इस सोसाइटी में, उनकी तरफ से ये जो अथॉरिटीज है उनको हम लोग सवाल नहीं करते, तो आप कृपा करके जहां कहीं हो आप सवाल कीजिए अपने अथॉरिटीज को। नेक्स्ट सर, फिर इसके कारण ही आपने जो हिल्स है, एक वंस अपॉन अ टाइम ये जो बोलते हैं ना कि पूना वॉज ए सिटी ऑफ द टेकड़ी, वॉज ए सिटी ऑफ द माउंट्स, बट देर इज अ ग्रेट थ्रेट, क्योंकि वहां पर भी अभी कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पे चल रहे हैं, उसके कारण वहां का ये जो ग्रीन कवर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है, हम लोग इसके बारे में सोचे। नेक्स्ट सर, ये उसी का नतीजा है, आप देख लीजिए, और वो दिन नहीं दूर नहीं है जब पूरा ये बैरन बन जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे आप सोचिए, इतनी सिचुएशन ग्रीम है। नेक्स्ट सर, अब हम लोग आते हैं उस प्लांटेशन के ऊपर, या हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में। इसके लिए मैंने अभी तक जो आपको प्रवचन दिया वो था कि क्या क्या थ्रेट्स है, क्या क्या हो सकता है। सिर्फ ट्री प्लांटेशन करना ये मेरा आज की प्रेजेंटेशन देने का देवराय फाउंडेशन का हेतु नहीं है। नेक्स्ट सर, तो जो पॉलिसीज बनते हैं उनको हम लोग देखें, ट्री प्लांटेशन सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बोलता हूँ कुछ नहीं होगा, यानी कि उसका इम्पैक्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, जब तक पॉलिसीज ठीक तरीके से नहीं बनेंगी, जब तक हम लोग हैबिटेट जो बोलते हैं, हम लोग जैसे कॉलोनीज बना के रहते हैं ना, तो उस तरीके से ये जो टोटल जो नेचुरल हैबिटेट जब तक नहीं बनेगा, तब तक उसका जो फायदा, अगर हम लोग सेल्फिश होके सोचे, हम लोगों को भी जो मिलना चाहिए वो उस पैमाने पे नहीं मिलेगा जितना वो टोटल एक क्लस्टर बना के मिलेगा। इसलिए उसके लिए भी हम लोग सजग रहे, और जैसे इससे पहले भी मैंने जिक्र किया, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए इसका फायदा होगा। राइपेरियन जोन यानी कि जो रिवर है स्ट्रीम्स के किनारे जो रहता है, आपने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है राइपेरियन जोन क्या होता है, कितने लोगों को मालूम है कौन कौन से पेड़ वहां पर आते हैं और कैसे पानी में कौन कौन से पेड़ आते हैं। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा आपको ये कहना है, आप थोड़ा सा जाके नदी किनारे उसको देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से पौधे हम लोग कहाँ पर लगाए, तभी जाके इस टोटल इकोसिस्टम वहाँ की जो रहती है, नदी किनारे की इकोसिस्टम रहती है, उसको उसका फायदा होगा। और फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सभी का कोऑर्डिनेशन करने के लिए फिर से वही है, पब्लिक का दबाव बहुत जरूरी है, लॉ को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग वो अप्रूवल वगैरह जो लेते हैं उन लोगों के ऊपर भी ये जो अपना प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, वो बना के रखें। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्री कटिंग। अपने यहाँ हम लोगों को मालूम है बड़े बड़े शहरों में, पुणे में क्या स्थिति है, कंजेशन कितना बढ़िया यानी कि टेरिबल रहता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपना बढ़िया बन जाएगा तो हम लोग कम से कम गाड़ियां निकालेंगे बाहर। अब उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो कृपा करके आप लोग कॉरपोरेशन की जो भी पॉलिसीज बनते हैं तब उसको ध्यान देना। आप PCMC की वेबसाइट भी है, कितने लोग देखते हो, वैसे ही PMC की भी वेबसाइट है। मुझे यकीन है
हर कॉरपोरेशन की या म्युनिसिपल काउंसिल की एक अपनी वेबसाइट रहती है, हेल्पलाइन रहती है। आप जाओ वहां पर जाके दरवाजा खटखटाओ, तब जाके इसमें बिल्कुल बदलाव आएगा, प्रेशर बना रहेगा। नेक्स्ट सर। हाँ, अब हम लोग आते हैं टिपिकल मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो हम लोगों ने जो बोला थोड़ा सा बड़े पैमाने पे या लार्जर जो बोलते हैं ना व्यू। अब हम लोग अपने घर में, अपने सोसाइटी में एक वाइड कॉर्नर बनाए, थोड़ी सी जगह ये जो अपने फ्लोरल और फॉनल जो अपने दोस्त हैं उनके लिए भी दे दे। और फिर दूसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉइल, हम लोग क्या करते हैं घर में हो सोसाइटी में हो, चलो यार एक ब्रास एक ट्रॉली आप सॉइल लेके आओ जो अच्छी हो। मैं आपको बता दूं, मैंने भी अपने टेरेस पे, यानी कि मैंने यानी कि मेरे फैमिली ने और हमारा मेरा जो असिस्टेंट है लाला सोमाने, हम लोगों ने टेरेस पे छोटा सा हमारा गार्डन किया हुआ है, किचन गार्डन। उसमें हम लोग बाहर से मिट्टी लेके नहीं आए हैं, जो ड्राई लीव्स रहते हैं सूखे हुए पत्ते वो डाल के हम लोगों ने घर का जो वेट वेस्ट रहता है उसका मैन्योर बना के हम लोगों ने वो पूरे के पूरे जो पौधे हैं वो लगाए हुए हैं। बिल्कुल ये जो ड्राई लीव्स है, ये जो पत्ते हैं वो पूरे मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कृपा करके आप लोग, ये जो इंसिस्टेंस रहता है कि बाहर से मिट्टी लेके आने का, जब आप बाहर से मिट्टी लेके आ रहे हो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक जगह को हम लोग वहां पर इनफर्टाइल कर रहे हैं। तो कृपा करके हम लोग वो ना करें। और फिर जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बिल्कुल वो ना करें। फिर उसके बाद और एक है, लॉन्स बनाते हैं हम लोग, हार्ड पेवमेंट्स बनाते हैं हम लोग, पानी को, इनके अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र हुआ, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। हम लोग जो परकुलेशन होना चाहिए रेन वाटर का, उसके लिए जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ कॉरपोरेशन की है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जितना पानी सिपेज होगा उतनी अपने ग्राउंड लेवल जो है बनी रहेगी। आपको शायद से मालूम होगा, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अभी नरेंद्र मोदी साहब सरकार जब दूसरी बार चुन के आई, तब उन्होंने एक अलग से उन्होंने एक जल शक्ति मिनिस्ट्री निर्माण किया है। उसका हेतु क्या है मालूम है आपको? ये 2020 में अपने 21 सिटीज का जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म होने जा रहा है। इतनी सिचुएशन खराब है, हम लोगों को अगर ग्राउंड वाटर नहीं बचाएंगे तो हम लोग नहीं बचेंगे। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे, बहुत कम लोगों को ये मालूम है, रिवर्स के ऊपर टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो है सिर्फ 22%। 78% वी आर एक्सट्रैक्टिंग द ग्राउंड वाटर एंड वी आर लिविंग। तो आप समझिए ग्राउंड वाटर का महत्व। इसलिए हार्ड पेमेंट करना, ये जो है कृपा करके इसको छोड़ दीजिए, बहुत बहुत जरूरी है। इसके बारे में एक्वाडेम वाले बहुत, हिमांशु सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका भी एक आप इसमें सेशन रखिए। नेटिव प्लांट्स आप लैंडस्केपिंग के लिए इस्तेमाल करिए, और सीमेंट और ये जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल हम लोग कम करें। नेक्स्ट सर। इसमें मैंने दिखा है एक ब्राउन ब्राउन लीफ करके ग्रुप है, अदिति देवधर मैम पुणे से उसको ड्राइव करती है। जब अपना फॉल सीजन आता है, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना विंटर सीजन आता है, तो बहुत सारी पतझड़ होती है। वो क्या करती है मैम, उनका फेसबुक पे भी पेज है, वो जिनके यहाँ ड्राई लीव्स है, जहाँ जहाँ ड्राई लीव्स निर्माण होते हैं उनको वो कनेक्ट करते हैं, जिनको ड्राई लीव्स चाहिए अपने गार्डन के लिए, और उससे मिट्टी बना के ये जो मैंने कहा टेरेस गार्डन या किचन गार्डन, जो भी हम लोग जहाँ कहीं कॉर्नर मिले वहां पर बनाते, उसके लिए काम करते। उस तरीके से आप लोग भी कृपा करके उसको देखें, उसको कचरा मत समझिए, बहुत सारे लोग उसको कचरा समझते हैं। ये ट्री प्लांटेशन से ही संबंधित है, इसलिए मैं आपको ये सब कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ट्री प्लांटेशन करने से कुछ नहीं होगा, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ट्री प्लांटेशन करें। नेक्स्ट सर। जयवंत सर, ढोले सर आए हैं क्या? सर मैंने उनको बोला है, अच्छा, वो बेसिकली ट्राइंग फ्रॉम इस साइड। अरे 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 सॉरी। अब ये नो देखिए, ये और किसी का टेरेस नहीं है, ये हमारा टेरेस है जो हम लोग ने किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग जो व्हाइट बैग देख रहे हो ये सभी ड्राई लीव्स है, जो मैंने कहा जो मेरा टीममेट ही है लाला वो सब लेके आया है,
इधर उधर से सब इकट्ठा करके, और यही डाल के हम लोगों ने, आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको जो कैंस दिखाई दे रहे हैं वो भी नए नहीं है, वो सभी हम लोगों ने रीयूज किया हुआ है, पुराना वाला इस्तेमाल करके उसमें वो डाला हुआ है, और उसके कारण हम लोग उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर पाए हैं। नेक्स्ट सर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट सर, अब ये देखिए लेफ्ट साइड में जो है, ये मेरी मिसेस है जो राइट साइड में बैठी हुई है, स्नेहा उसका नाम है, वो भी ये वेबिनार देख रही है। बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली आई कुड बी एबल टू, यू कैन से मेक सम डिफरेंस एंड यू कैन से गिव माई कॉन्ट्रीब्यूशन, मे बी द स्क्विरल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, बट दैट आई एम डूइंग। शांतिनाथ, आई रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योर माइक्रोफोन। शांतिनाथ, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। ढोले सर, आई होप ढोले सर इज देयर नाउ। ढोले सर, कैन यू लिसन मी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? सो नहीं सो प्योर। ढोले सर आ चुके हैं, ढोले सर का स्वागत है। आप ढोले सर आए तो मुझे कम बोलना पड़ेगा। और राइट साइड में मैं जो कह रहा था, ट्री प्लांटेशन करना है तो राइट साइड में देख लीजिए, जगह ढूंढ लीजिए, आपको जगह मिलेगी। निगड़ी प्राधिकरण सेक्टर 28 में यहाँ पर ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, उसमें जो लेफ्ट साइड में मेरे जैसा टकलू जो आपको आदमी दिखाई दे रहा है वो है लाला सुमाने। नेक्स्ट, अब ये देखिए मेरे घर के सामने जो डिवाइडर है, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स किया हुआ है। कॉरपोरेशन ने जो पौधे लगाए थे वहां पर, ये जो ट्री गार्ड्स वगैरह है, टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, ये ट्री गार्ड्स हम लोगों ने निगड़ी प्राधिकरण की जो अथॉरिटी है उस ऑफिस से हम लोगों ने लेके उसको दुरुस्त करके, ये वैसे ही बोलते हैं ना पड़े हुए थे, उनके पैर वगैरह लगा के प्रॉपरली उनको ठीक करके, मरम्मत करके हम लोगों ने लगाया हुआ है। ये जो आपको राइट साइड में जो पेड़ दिखाई दे रहा है वो है मिमिसुप सेलेंजी, यानी कि बकुल का फूल, ये पेड़ है। ये 2 साल का ये ग्रोथ है, आप देख लीजिए हम लोगों ने जो लगाया हुआ है। तो हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं, जगह को हम लोग ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट सर, वसुंधरा अभियान, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को शायद से मालूम नहीं होगा, मैंने जैसे जिक्र किया, आपने यहाँ बहुत सारी टेकड़ियां हैं पुणे के आसपास, लॉट ऑफ माउंट्स आर देयर, एंड देर आर फॉर्चुनेटली देर आर सेंसिबल पीपल, सेंसिबल सिटीजन्स हु आर कमिंग फॉरवर्ड एंड गिविंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस वसुंधरा अभियान ने बानेर के टेकड़ी पे, वैसे ही बहुत सारे ग्रुप है, यानी कि अगर आपको आप देखेंगे तो चतुश्रृंगी में ग्रुप है, वेताल टेकड़ी है, हनुमान टेकड़ी है, मैंने जैसे जिक्र किया गौरेश्वर की टेकड़ी है, दत्त टेकड़ी करके दिघी में है, जहाँ पर महेशदादा लांडगे स्पोर्ट्स फाउंडेशन और अविरत ग्रुप है, और बहुत सारे लोग है। यहाँ अयप्पा टेकड़ी है देहू रोड में, बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और प्लांटेशन करके दे आर नर्सरिंग ऑल दी सैपलिंग, ये हम लोग कर सकते हैं। हिंजेवड़ी में बहुत सारे ग्रुप सामने आए हुए हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है, वो आज प्रोग्राम में है, रविंद्र सिन्हा जी। रविंद्र जी है क्या? रविंद्र, हाँ है। रविंद्र, आई एम थैंकफुल टू यू एंड ही इज द बैकबोन ऑफ द सोशल एक्टिविटीज, लेट मी टेल यू, इन पूना रिलेंटलेसली ही इज वर्किंग। थैंक यू रविंद्र, हु कनेक्टेड मी टू यू ऑल गाइड्स, थैंक यू सो मच। और इस तरीके से आज ने कल ही, ये जो वसुंधरा ग्रुप है, इस ग्रुप ने कल ही हमारे देवराई फाउंडेशन की नर्सरी में थेवर में आके सैपलिंग्स इस साल लगाने के लिए कलेक्ट किए। तो इस तरीके से बढ़िया सा काम, बहुत सारे ग्रुप्स, आप देखिए तलजाई की जो टेकड़ी है सरकार नगर के पीछे के साइड में, वहां पर लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला पाषाण सूस रोड पे बहुत सारे आईटीएंस काम कर रहे हैं, हिंजुड़ी में 2 ग्रुप्स काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ग्रुप सामने आ रहे हैं। तो अगर हम लोगों के पास विलिंगनेस है, इच्छा शक्ति है, तो जरूर आपको जगह मिलेगी, और जहां जहां आप ट्री प्लांटेशन करना चाहेंगे वहां वहां हम लोग, मैं एज ए ट्रस्टी ऑफ देवराई फाउंडेशन, मैं आपको ये वादा करता हूँ ढोले साहब के, ऑन बिहाफ ऑफ ढोले साहब एंड हिज फैमिली, हम लोग आपको बिना किसी कीमत के हम लोग आपको पौधे दे देंगे। नेक्स्ट सर, अब ये देखिए स्मृति वन खड़ा किया है, बहुत बढ़िया, निसर्ग सेवक करके ग्रुप है, जीविदा करके और एक संस्था है, जिन्होंने हमें सही में नेचर को देखने का, उनको इसका निरीक्षण करने का हम लोगों को
एक जो बोलते हैं ना विजन दिया, इकोलॉजिकल सोसाइटी है वो भी बहुत बढ़िया सा ट्रेनिंग का काम कर रही है, और ये जो वॉरियर्स फॉर द नेचर कॉन्जर्वेशन निर्माण कर रही है, उन सबका हम लोग शुक्रगुजार, हम लोग इनके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये स्मृति वन उन्होंने खड़ा किया है, जहाँ पर कमिंस कंपनी है ढानुकर कॉलोनी में, वहाँ पर ये स्मृति वन बढ़िया सा निर्माण किया हुआ है। नेक्स्ट सर, अब ये आप यकीन करेंगे, ये मेरे घर के सामने वाले ये पौधे हैं, ये सिर्फ 6 साल पुराने हैं। जब हम लोगों ने इनको लगाया था, सिर्फ उस वक्त की इनकी जो ऊंचाई थी वो सिर्फ 3 फीट थी। लेफ्ट साइड में आप लोग जो देख रहे हैं वो है कैसिया फिस्तुला, यानी कि जिसको हम लोग सोन मोहर या उसको हम लोग बहावा बोलते हैं। और राइट साइड में जो है बढ़िया सा जो पर्पल कलर का जो आपको फूल दिखाई दे रहा है या पेड़ दिखाई दे रहा है, दैट इज अवर स्टेट फ्लावर, उसको बोलते हैं तामन या जारुल बोलते हैं, लैजिस्ट्रोमिया रेजिना उसका बोटेनिकल नेम है। कितना बढ़िया सा दिखता है, आप यकीन नहीं करेंगे। ढोले साहब जब मेरे घर आए थे तब बोले कि इसके पत्ते कितने हेल्दी है, क्या देते हो आप उनको? मैंने बोला कुछ नहीं लगाया है, आई एम केयरिंग फॉर देम। जब भी उनके पास जाता हूँ इन पेड़ों के पास, तब मैं सिर्फ गायत्री मंत्र जो है उसका चैंटिंग करता हूँ, और उनको बस वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मैं अपनी तरफ से देता हूँ। नेक्स्ट, अब ये देखिए मैंने अपने टेरेस से निकाला हुआ ये एक ब्यूटीफुल ये जो फोटोग्राफ है, तो ग्रीन इज द लाइफ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस तरीके की ग्रीनरी निर्माण करें। हाँ, जो आपको मीडियन दिखाई दे रहा है दैट बिलोंग्स टू द कॉर्पोरेशन, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो दैट क्रेडिट ऑल्सो गोज टू कॉर्पोरेशन डेफिनेटली। नेक्स्ट, अब ये देखिए इस तरीके के साइनेज बना के हम लोगों ने, जो भी हम लोगों ने लगाए हुए पेड़ है, ऐसे बहुत सारे साइनेज हम लोगों ने वहां पर लगाए हुए हैं, और उसके नीचे हम लोगों ने हमारे ईमेल आईडीज मेरा और ढोले साहब का दिया हुआ है, तो जो भी लोग सही में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहते हैं वो लोग हम लोगों को मेल पे कॉन्टैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, और एक बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, एंड देन आई विल हैंड इट ओवर टू ढोले सर आवर चीफ ट्रस्टी। जो भी पौधे लगते हैं वही जो अभी जिक्र किया, पेवमेंट कॉन्क्रीटिंग, उसके कारण होता क्या है, घुटन होती है अपने इन पेड़ों को। तो लेफ्ट साइड में जो व्यू दिखा है इस तरीके से, वहां पर फॉर ब्रीदिंग वी नीड टू कीप द स्पेस, और राइट साइड में जो किया है, अब इसके कारण क्या होता है, पौधे आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो मूले हैं उनकी जो जड़ें हैं रूट्स हैं दे डाइज डाउन। होता क्या है, इसके कारण आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स दे डाई डाउन एंड कोलैप्सेस। और फिर हम लोग दोष किसको देते हैं, पेड़ को दोष देते हैं, क्या ये सही है? अब मेरी आप सभी को ये विनती है, आप लोग जहां कहीं रहते हैं कृपा करके इसके बारे में रेज योर वॉइस, आवाज उठाओ, कॉर्पोरेशन को बताओ नथिंग डूइंग, इस तरीके से आप काम करो, वहां से वो हटा दो करके। अगर वो नहीं हटा रहे है, तो आप इंसिस्ट करके उनको हटा लो, आपके यहाँ के जो कॉर्पोरेट है उनको बता दो, नहीं तो ये ग्रीन कवर नहीं बचेगा। नेक्स्ट, नाउ अब ये सब करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ देवराई फाउंडेशन, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब के बाद ये जो नर्सरी और उसको जो नर्चरिंग करते हैं वो हमारे चीफ ट्रस्टी ढोले सर इसके बारे में आपको बता दें। ढोले सर, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंटफुल लिसनिंग। ढोले सर, अपने पास 10 मिनट है। हेलो, बोला सर। ढोले सर बोला तुम्हाला अनम्यूट केलं मी। हॅलो हॅलो सर, आई विल कंटिन्यू, जैसे मैंने जिक्र किया, ढोले सर सर मैं ही बात करता हूं। तो ढोले सर ने 2.5 एकड़ जमीन थेऊर के पास नायगांव करके गांव है वहां पर ली हुई है, और वहां पर ये सब हम लोग जो प्लांटेशन है हम लोग, यानी कि सैपलिंग्स बनाना और जो बैग्स में डाल के उनको बड़ा करना 1 साल तक एवरेज हम लोग करते हैं, और हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चनेयर रखा हुआ है,
छह वो जो हमारे सवाल है उनका जो भी जवाब देगा, उसके बाद हम लोग सब समझ लेते हैं और उसके बाद वो जो पौधे हैं उनको हम लोग डोनेट करते हैं। विदाउट मच ऑफ फॉर्मेलिटीज हम लोग ये सब करते हैं, बिलीव मी। और जैसे मैंने कहा, आज भी वहां से चार टेम्पो भर के हम लोगों ने एवरेज 1,000 से लेके 2,000-3,000 तक पौधे हम लोग एक एक ग्रुप को देते हैं। कुछ लोग हैं जो 100-200 भी लेके जाते हैं, उनको भी हम लोग देते हैं। वी लुक एट द क्रेडेंशियल्स, वी लुक एट द जो बोलते हैं ना कि सही में वो कितना सर्वाइव हो पाएंगे ये सभी सैपलिंग्स, तो उनको ही हम लोग ये सब करते हैं। और इनके सीड कलेक्शन हम लोग ये जो पर्टिकुलरली अपना क्या बोलते हैं अभी इसको, हम लोग जब ये वसंत ऋतु आता है, जब शुरुआत होती है समर की, तब उस वक्त ये सब सीड्स का कलेक्शन हम लोग अलग अलग जगह से करते हैं। हम लोगों ने जहाँ पर पौधे लगाए हुए वहाँ से भी हम लोगों को सीड्स मिलना शुरू हुआ है। आई एम हैप्पी टू शेयर इट विथ यू। यहाँ अपने शहरों में भी मिलता है और हम लोग फिर बाहर भी जाते हैं, सह्याद्री में घूमते हैं, नदी किनारे घूमते हैं, थोड़ा एरिड रीजन जो बोलते हैं देहू जो है अपना, उस साइड में भी हम लोग जाते हैं और वहां से भी हम लोग ये सीड कलेक्शन करके लेके आते हैं और उनको हम लोग इधर थेऊर के नर्सरी में लगाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये जो फोटो दिखाई दे रहा है उसमें वो ढोले साहब वही सीड्स को सोइंग करते वहां पर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट सर, ये और एक आप व्यू देख सकते हो हमारे नर्सरी का। यहाँ पर ये पौधे जो है वो बड़े हो रहे हैं, हमारे नर्सरी का ये और एक ये है फोटोग्राफ है। नेक्स्ट सर, अब और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये नर्सरी है, ये बैकयार्ड नर्सरी है। अब ये बैकयार्ड नर्सरी मैंने इधर हमारे यहाँ 24 सेक्टर में जो मेरा असिस्टेंट या मेरा टीममेट है लाला सोमाने, उसके सपोर्ट से अपने यहाँ बनाया हुआ है। तो करीबन यहाँ पर करीबन अप्रोक्सीमेटली 500 से 600 पौधे हम लोग बनाते हैं और इनको हम लोग बांटते हैं। और यहाँ पर हम लोग इस साल भी करीबन मैं आपको कहूँगा 50 के आसपास पौधे और हर प्रकार के करीबन 25 यानी कि 1200 से 1500 हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये देखना है तो आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट करके या जो मेरा असिस्टेंट है लाला सोमाने उसको कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो और इसको देख सकते हो। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके पास थोड़ी सी जगह है तो हम लोग आपको नर्सरी बनाने के लिए एंड टू एंड जो बोलते हैं हम लोग आपको सॉल्यूशन बिल्कुल दे देंगे। नेक्स्ट, इस साल मैंने जैसे कहा 125 से ज्यादा वैरायटीज के सीड्स का कलेक्शन हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये सब यहाँ पर मैंने नाम दिए हुए हैं, आप देखेंगे तो इसमें से कुछ ही मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब आप लोगों ने जो सोचा था या आप लोगों ने जो भी शायद से आपको कौन कौन से पौधे मालूम है, मैंने आपको शुरू में सवाल किया था, उसको इसके साथ आप थोड़ा सा रिलेट करके देख लीजिए इसमें से कितने पौधे हमें मालूम है। ये अपने बच्चे हैं, ये पेड़ अपने बच्चे हैं, अपने यहाँ की अपनी ये दिस इज आवर ट्रेजर, ये अपनी वेल्थ है। अब इनको अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अब कब बचाएंगे हम लोग? जब हम लोग उनको जानेंगे। अब उसके लिए मैंने एक दो तीन स्लाइड्स इसके डाले हुए हैं। मराठी नाम है इसके, बोटानिकल नाम भी आप जान लीजिए, काकड़ है, गरुगा पिनाटा है, बिब्बा है, हुलीकारना बोलते हैं, पाडल है, स्टेरियोस्पर्मम बोलते हैं, और एक फेटरा है, वो मैंने भी पहली बार अभी जिंदगी में देखा इस साल 15 दिन पहले। नेक्स्ट, वैसे बहुत सारे देख लीजिए यहाँ पर बेहड़ा, बहुत सारा जो त्रिफला बनाते हैं उसमें उसको काम आता है। तीन अलग अलग पेड़ों से बनता है त्रिफला, उसमें से एक है वो बेड़ा है और बाकी के भी आपको आपके सामने है। नेक्स्ट, ये देख लीजिए इतनी सारी वैरायटीज है अपने यहाँ। बस जरूरत है हम लोग इनको कॉन्शियसली इनकी तरफ ध्यान दे, इनको बचा है, उनको लेके आए है। हम लोग अभी स्पेशल परमिशन फॉरेस्ट की लेके हम लोग इस लॉकडाउन के दरमियान हम लोग विथ ड्यू केयर विथ सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग यहाँ पर घूमे। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स मेरे साथ थे, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, किताब दिखाया, डॉक्टर श्रीकांत इंगलालीकर सर मेरे साथ थे, देवती गिंडी मैम जो है वो हमारे साथ थी, मुलची के फ्लोरा पे जिन्होंने काम किया है डॉक्टरेट जिनकी है वो रानी भगत मैम हमारे साथ थी, उसे प्रभा पागे मैम, एज ओनली 77, उसके ऊपर मत जाइए, बहुत बढ़िया वो अध्यापक है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो मैम इसमें दे रही है। और इसके साथ साथ डॉक्टर श्रीधर ठाकुर है हमारे ढोले सर है,
और हमारा सावरकर मंडल है, जीविदा संस्था है और बहुत सारी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया बानेर का जो वसुंधरा हिल्स है वो लोग हमारे साथ है। नेक्स्ट, बस हमारा यही आप सभी को ये एक ये है अपील है, हम लोग ये पौधे बांटने जा रहे हैं। इस साल हम लोगों ने 1 लाख पौधे आप लोगों को देने के लिए तैयार रखे हैं। अब उसमें से मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 25,000 ऑलरेडी वी आर डोनेटेड। हमारे पौधे बीड तक, बीड, सोलापुर, नगर, औरंगाबाद, पुणे ऑफ कोर्स ये है ही है, यहाँ तक और सतारा, इतने डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सामने आइए, जो लोग वो चीज़ जो सवाल है उनको ये करेंगे, उनको हम लोग ये पौधे दे देंगे, सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट सर, हमारे पास कौन कौन से पौधे हैं उसकी ये लिस्ट है, अगेन दिस इज इन मराठी, आप उनको देख सकते हैं। अब इसकी पूरी लिस्ट हम लोग वो 6 सवाल भर के जब हमारे पास आएंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट सर, ये 18 है, उसके बाद ये देखिए 40 तक की लिस्ट इसमें है, इतनी सारी वराइटीज हमारे पास है। इसमें जैसे मैंने कहा कैनोपी की ट्रीज है, इसमें बिग ट्रीज है, स्मॉल ट्रीज है, श्रब्स है, इसमें हर्ब्स है, इसमें लाइनाज है, इसमें क्लाइंबर्स है, क्रीपर्स जिनको बोलते हैं, सब कुछ है, फ्रूटी ट्रीज है इसमें। नेक्स्ट ये देख लीजिए, अब जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया 135 स्पेसीज हमारे पास है, जो लोग एक एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क या हम लोग उसको मैन मेड सैक्रेड ग्रो बोलते हैं वो तैयार करने के लिए तैयार है, एक एकड़ जगह देने के लिए, उनके लिए हम लोग 135 स्पेसीज इंटू 5 ईच इतना देने के लिए हम लोग राजी है। लेकिन जनरल जो प्लांटेशन हम लोग करते हैं उसके लिए हम लोग ये 50 जो वराइटीज अभी यहाँ पर दिखाई हुई है उनको हम लोग देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, अब ये देख लीजिए, दिस इज द अगेन द ब्यूटी द ट्रेजर ऑफ आवर सह्याद्री, इसको हमें देखना पड़ेगा, उनको हम लोगों को संभालना पड़ेगा। उनके कुछ बोटेनिकल नेम्स हम लोगों ने दिए हुए हैं, बॉम्बैक्स सेबा हो, टर्मिनालिया, बेलेरिका हो, मैंजीफेरा इंडिका यानी कि अपना आम, अल्स्टोनिया स्कोलारिस, ये सब नाम हम लोगों ने इसमें सातवीं जिनको बोलते ये दिया हुआ। नेक्स्ट सर, ये देखिए जाइंट लाइना जिनको बोलते हैं, उड़ी क्लाइंबर्स बोलते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, ये वहीं पर रहता है जहाँ का जंगल समृद्ध है, और ये आप देख सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ अपने यहाँ जाना पड़ेगा, एम्प्रेस गार्डन जाना पड़ेगा, ढूंढ लीजिए आपको मिल जाएगा, अगर इच्छा शक्ति है तो आप उसको बिल्कुल ढूंढ निकालेंगे और जाके इसको देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट सर, अब इस साल मैंने जो जिक्र किया, अब ये बहुत ही कम यानी कि छोटे फॉन्ट है, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, यू नीड नॉट टू रीड इट। 120 से ज़्यादा के जो हम लोगों ने सीड्स का कलेक्शन किया उसके मराठी और उसके बोटेनिकल नाम हम लोगों ने इसमें दिए हुए हैं, तो ये मुमकिन है हम लोग सभी इसको मिलके करें, उनको बचाएं, यही मेरा आप सभी को निवेदन है। नेक्स्ट, जाते जाते ह्यूबर्ट रीव्स करके एक बढ़िया इन्वायरमेंटलिस्ट, उनका क्या कहना है, वो कहते हैं मैन इज द मोस्ट इंसेन स्पीसीज, हम लोग ऐसे हैं, ही वर्शिप्स एन इनविजिबल गॉड एंड स्लॉटर्स अ विजिबल नेचर विदाउट रियलाइजिंग दैट दिस नेचर ही स्लॉटर्स इज दिस इनविजिबल गॉड ही वर्शिप्स। तो मेरा भी आप सभी से निवेदन है, अब के बाद हम लोग ज़्यादा सजग होके, आप लोग करते ही होंगे लेकिन ज़्यादा सजग होके हम लोग अपने नेचर की तरफ, अपने सराउंडिंग की तरफ देखें, और उसमें बहुत ब्यूटी है, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे यहाँ इतनी बढ़िया सा जो बोलते हैं ना विंग्ड जो फ्रेंड्स बोलते हैं पंछियों की, इतनी बढ़िया सा डाइवर्सिटी, उसको देखते देखते कैसे दिन गुजर जाता है पता नहीं चलता। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट साइड, थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू गर्ग साहब, जयवंत and all of you guys for giving this opportunity to Devrai Foundation. I'm sorry our chief trustee could not able to connect us because of some technical reason, lekin ye sab jo kaam hai isko appreciate karke Pani Foundation Amir Khan sahab ka ho, Nana Patekar sahab aur Makar Nagaspuri sahab ka Naam Foundation ho, ya Sayaji Shinde sahab jo hai apne actor unka Sahyadri Devrai samajik sanstha ho, और बहुत सारी ऐसी संस्था है जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम लोग काम करते हैं। आप में से जो लोग सिंसियरली इसको करना चाहेंगे, आई एम एसोसिएटेड विद आर्ट ऑफ लिविंग, जय गुरुदेव टू रमन सर,
और आई एम एसोसिएटेड दैट वे विथ रोटरी क्लब, आई एम एसोसिएटेड विथ लायंस क्लब, सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसके कारण जुड़ा हूँ, सिर्फ नेचर के कारण। सो आई एम थैंकफुल टू नेचर, द इन्वायरमेंट, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गेट कनेक्टेड, रीकनेक्टेड विद द नेचर। लेट्स हेल्प दिस नेचर फ्लरिश अगेन फॉर सेक ऑफ आवर ओन बेटरमेंट एंड फॉर सेक ऑफ आवर ओन फ्यूचर एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू कम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद धनंजय सेठवाले साहब, रघुनाथ ढोले सर और उदय गुजर सर जो आपके मेंबर हैं। ये जो 6 क्वेश्चन सर ने बोले बहुत ही सिंपल से हैं, उन्होंने जो पूछे हैं बस एक उसमें हमारे मन की जो वो झलक आनी चाहिए जो उनके क्वेश्चन हैं, जैसे कि कहाँ पर लगाओगे ये पेड़, उसका एड्रेस क्या है, बस ये सिंपल एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या उसके लिए आपके पास जगह अवेलेबल है, तो क्या गूगल के साथ में हमें गूगल लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बता सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन से स्पाइसेस आपको चाहिए, है ना, और उसमें उन्होंने बोला कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको गाइड भी करेंगे। ओके, आप कहाँ पर लगाना चाहते हैं। फिर उनका है कि 3 साल का एक रोड मैप, एक कहीं तो कमिटमेंट हो कि हमने आज लगा दिया, फोटो खिंचा लिया और कल भूल गए, वैसा ना हो, बल्कि हम उनको नर्चर करें, क्योंकि हम अपने लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ लगा रहे हैं। तो उसके लिए जब आप पेड़ लगा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, उनको कोई ऐसा कोई प्रोटेक्शन देना पड़ेगा फ्रॉम द ह्यूमन एज वेल एज फ्रॉम द कैटल्स। हाँ जी, तो उनसे भी उनको बचा के रखना है, हमने उतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कहीं ग्राम पंचायत या म्यूनिसपैलिटी कोई ओपन लैंड पे करना है तो वहाँ से एनओसी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल तो बिल्कुल, वहाँ का लोकल मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले सकता है। फिर जो है ट्री सैपलिंग वेटिंग फॉर सेंसिबल ह्यूमन हु ऑल विल ग्रो देम ऑल, व्हाट प्रोविजन ऑफ देयर ट्रांसपोर्ट, मीन उनको वहाँ से कैसे लेके आएंगे। तो Correct. ये तो ये हो गया कि उन्होंने इतनी मेहनत से वहाँ पर जगह बनाया, सैपलिंग की वेराइटी ढूंढी, लगाया, उनको सब कुछ करके जो है हमें दे रहे हैं, है ना। तो वहाँ से डेफिनेटली हम ही खुद लेकर के आएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है उनका एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और हम लोगों ने इस सिंपल क्वेश्चन के अंदर जिम्मेदारी का जो एहसास है वो शायद बहुत ही बड़ा है। तो वो जिम्मेदारी का एहसास के साथ में हम ट्री प्लांट करेंगे तो उसका जो फायदा है हमारी जनरेशन और आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि पेड़ ही हमारा जीवन है। हमने वायु बोला, वायु को प्राण वायु बोला गया है हमारे सभी शास्त्रों के अंदर, और प्राण वायु तो पेड़ों से ही मिलती है, तो उसके लिए इसका इतना महत्व है। तो अभी एक बार फिर से धनंजय सेठवाले साहब और डोले सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सर प्रोग्राम में रुकी अभी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर होंगे। अभी मैं इनवाइट करता हूँ रमेश रमन सर को, तो वो प्लीज इसमें आएंगे। मैं जरा स्लाइड चेंज करने के लिए मुझे कुछ एक सेकंड चाहिए होंगे। हाँ बिल्कुल सर, जाते जाते एक ही बता दूं, इसमें एक है, अगर आपके प्राइवेट जमीन है और उसके ऊपर भी आप लगाना चाहते हो तो भी हम लोग वी आर हियर टू डोनेट, यू नीड नॉट टू वरी। अरे मेरा पर्सनल है तो मैं इसको कैसे बोलूं, डोंट वरी, हम लोग उसके लिए भी देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, माय प्लेजर सर। सर अभी वही क्वेश्चन आया गोविंद विभूते साहब सांगोला से, मैं जानता हूँ उनको। यस सर, उन्होंने क्या बोला, मतलब एक एकड़ जागा है माझी आणि आम्ही गार्डन तयार आहोत, तर तुम्ही आम्हाला कृपया करून भेटावे म्हणून सांगितलं त्याने सर। हो हो गोविंद, जरूर जरूर गोविंद माझ्याकडे येऊन गेलेला आहे, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए, हम लोग बैठ के उसका रोडमॅप बनाएंगे ढोले सर के साथ, और बिल्कुल हम लोग वहां पर बढ़िया सा आपके यहाँ सांगोला में वो निर्माण करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। या रिक्वेस्ट करता हूँ रमन, रमेश रमन सर से, आर्ट ऑफ लिविंग से। रमन सर हैं, जयवन जी सर,
हेलो। हाँ सर, आवाज ऐकू येते, बोला सर। हाँ, तो ये प्रेजेंटेशन में जाने से पहले आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड व्हाट आर्ट ऑफ लिविंग इज डूइंग इन सीएसआर। एनवायरनमेंट भी इट्स अ बिग पोर्शन ऑफ आवर सीएसआर एक्टिविटीज। तीन चार बड़े प्रोजेक्ट हमने किए हैं लास्ट टू इयर्स में। वन इज 33 एकर प्लॉट एट टेटवली इन नवी मुंबई नियर रबाले। वहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ एंड नदर एन जी ओ कॉल्ड हरियाली, उनके साथ एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ है। इट्स अ फॉरेस्ट लैंड जहाँ पे लिटिल बिट ऑफ एंक्रोचमेंट्स वगैरह हुआ था, सो दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन इट टू अस। एंड इन द लास्ट टू इयर्स वी हैव प्लांटेड अबाउट 15,000 ट्रीज हियर, ऑल नेटिव वेराइटीज। एंड इट इज़ अ 7 ईयर अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जहाँ पे हम उसको संभालेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम ट्री प्लांटेशन, वहाँ हमने एक बटरफ्लाई पार्क क्रिएट कर चुके हैं, एक नेचर ट्रेल की है, नेचर ट्रेल हैज बीन डन एंड नक्षत्र गार्डन एंड 3 और 4 चेक डैम्स हैव बीन डन, सो दैट इट इज टोटली वाटर का इट इज सेल्फ सफिशियंट ओवर देयर। एंड ऑल एनीबडी हु इज वांटिंग टू कम देयर इज मोस्ट वेलकम टू कम एंड सी दिस प्लेस। वी हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स हु सेंड पीपल फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सैटरडे संडे आके वहाँ वॉलंटियर करते हैं, काम करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, नॉन प्लांटेशन टाइम में भी आके वहाँ सब वॉट एवर इज द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ट्रीज दैट वी हैव प्लांटेड दे कम एंड डू इट। देन इसके अलावा हैदराबाद ऑल्सो वी हैव साइंड विद द हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू लुक आफ्टर सम ऑफ देयर प्लॉट्स विच इज जस्ट स्टार्टिंग। लातूर में वी हैव प्लांटेड मोर देन 50,000 ट्रीज इन कॉरपोरेशन विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट in the last 2 years, so that also is being maintained by us and they are growing very well right now. Similarly, Gujarat mein we have done a lot of activities. So now I will go into this small presentation of ours which has been done in Ahmedabad. This was sponsored by Standard & Poor S&P India as a part of their CSR activities. Next slide. तो हियर वी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। आई डोंट नो इफ मेनी पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट मियावाकी टेक्निक ऑफ प्लांटेशन वेयर ऑल द नेटिव स्पीसीज हैव बीन आर प्लांटेड इन अ स्मॉल एरिया। सो इन कोऑपरेशन विद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके जो एसटीपी प्लांट है वहाँ एक बैरन पीस ऑफ लैंड था अबाउट 800 स्क्वायर मीटर्स, सो देयर दे गेव इट टू अस एंड दे वॉन्टेड अस टू क्रिएट अ अर्बन जंगल। So this we started sometime in July 2019 by planting about 2,600 saplings. Next slide. So this is the condition of the land when we got it from the Ahmedabad Municipal Corporation near the STP plantation. And next slide. So July में we took possession of the land. August 2019 with over 180 employees from SNP they participated in the plantation activity. So we planted about 2,664 saplings in about 3 days time over there. Next slide. So after July this was the condition of the area in September and October. अभी मियावाकी में ऐसा है कि before plantation a lot of activities had to be done, most of you must be aware. So that was taken care with the help of experts where we had to dig the whole area to a specific size and put some components. No fertilizers are being used over here. It's all natural things which we have used over here.
नेक्स्ट स्लाइड। दिस वॉज इन नवम्बर जनवरी, यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ द सैपलिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज इन फेब्रुवरी मार्च विथ वेरी लिटिल मेंटेनेंस एंड इन स्पाइट ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। Next slide. On the left, you see the STP plant. This is in April, May. Almost a mini jungle has been created over there. And within the next, I think, another 6 to 7 months, these trees will grow to a height of about 15 to 20 feet easily. And the rate of the almost 95% have survived with minimal care over there. Same is our experience in Tetwali in Rabale. More than 95% is the survival rate over there. Next slide. So we could create a mini forest within a span of 9 months, and this has been appreciated by all the government authorities, and they wish to replicate the same. And our idea is to experiment in as many places as possible with the help of corporate entities who are willing to contribute to environment. And then this year we were supposed to start a huge project with Capgemini of planting around 250,000 trees all across the country. But unfortunately, due to the lockdown, we had to postpone the whole exercise. So we are starting in small parts wherever it is possible, but definitely we will be doing it in the next year. Like South India, in November, December, plantations can be done. As rains come there, we want to start just before the rains. And we would definitely contact Deorai Foundation. I'm very glad to know them today. And for saplings for Maharashtra, whenever we want to do over there. Maharashtra, of the 250,000 saplings, about 1 lakh saplings have to be done in Maharashtra. So we'll definitely be getting in touch. So any other questions, I'll be glad to take about our work. We encourage a lot of societies and companies also to get into the environment CSR activities. We help them to locate areas. We help them to do the plantation. We also help them to do the project altogether. All the companies have to do is contribute their money from CSR fund, and also encourage a lot of employee engagement activities where employees themselves come and do the plantation. In Shirur Taluka in Pune, in 25 villages, we have planted more than 40 to 50,000 trees in the last 3 years, and all of them are growing very well with the help of the local villagers who also participate very well in this kind of projects. Agar kuch questions hoga, I'll be glad to take later on. So this is my presentation in short. We can please go ahead with the next. If there are any questions, I'll be able to answer them. Yes, sir, you can take over. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. गर्ग सर, अभी अनिकेत सर थोड़ा सा जल्दी में, उनको थोड़ा ले लो. अनिकेत जी, हाय. अनिकेत तुम्ही चालू करू शकता आता. हाँ, पहले नमस्कार सबको. मैं अनिकेत प्रभु थेरगाव सोशल फाउंडेशन से. सर वीडियो ऑन कीजिए. अनिकेत सर वीडियो ऑन कर लीजिए. ओके ओके, माय वीडियो. ओके, चालू है? चालू है सर, एकदम साफ है. ओके ओके. हाय आनी, मैं अनिकेत प्रभु थेरगाव सोशल फाउंडेशन से. अभी धनंजय शेठभाई सर ने हमको नेटिव ट्रीज पर जो अभी ये सब शॉर्ट में बताता हूँ मैं. धनंजय शेठभाई सर ने हमें इतना बड़ा अच्छा एक सेमिनार रखा था, उनको पहले धन्यवाद मानता हूँ. आर्ट ऑफ लिविंग के रामानंद सर का भी मैं धन्यवाद मानता हूँ. लास्ट टाइम हमने थेरगाव सोशल फाउंडेशन की तरफ से थेरगाव में एक एक्टिविटी रखा था, सोसाइटी तुमची झाड़े आमची. इसमें हमने 300 के ऊपर पौधे लगाए, उसमें 50 से ऊपर ट्रीज हमें धनंजय शेठभाई सर ने दिए थे.
बालासु मानव सर की तरफ से, तो मैं उनका उसके लिए धन्यवाद मानता हूँ। इस साल भी हमने खुद के 250 ट्रीज लॉकडाउन में बनाए हैं, वो भी हम इन जुलाई में प्लांटेशन करने वाले हैं। तो ऐसे तरफ के एक्टिविटी आप भी आपके एरिया में ले सकते हैं। अगर थेरगांव में कौन से भी सोसाइटी में ट्रीज लगाने हो या थेरगांव के नियर बाई कहाँ भी लगाने हो तो हमें बात बोलिए, हमारे पास वॉलंटियर्स है, हम आपके सोसाइटी में आ जाएंगे और वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करके आपको देंगे। खाली आपको एक ही करना है, हम भी धनंजय शेडभाई सर ने जैसे 6 क्वेश्चंस रखे वैसे हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि हम आपके सोसाइटी के लेटर पर लिख के लेते हैं कि ये झाड़ों की जवाबदारी आप लेंगे, ये पौधे की रक्षा आप करोगे, उनको पानी और उनके जो बोलते हैं कि उनके ध्यान उनका ध्यान आप रखोगे, इतना ही खाली हम लिख कर लेते हैं और वो सोसाइटी में हम प्लांटेशन करते। तो लास्ट टाइम भी हमने ये किया था, अभी धनंजय शेडभाई सर ने बोला कि हमारे यहाँ आजू बाजू जो ट्रीज है उनका ध्यान अपने को रखना है, उनका कौन सा नेटिव लगा है वो हमें चेक करना है। तो अभी लास्ट 2 मंथ्स बैक एक इंसिडेंट हुआ था, अपना आकुर्डी का जो बजाज कंपनी है वहाँ पे एक बहुत बड़ा झाड़ था, आई थिंक वड़ का झाड़ था, वो करीब 50 साल पुराना झाड़ रहेगा। उधर एक कंटेनर घुस गया था और पालिका वाले उसे तोड़ने आए थे, तो सडनली मैं वहाँ से पास हो रहा था, मैं बोला क्या हुआ है, तो बोला कंटेनर का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं बोला झाड़ तोड़ने का अथॉरिटी किसने दिया तुमको, कंटेनर बाहर निकल लो तुम क्रेन ला के। तो झाड़ तोड़ने वाले भाग गए वहाँ से, सब मशीन वहाँ पे डाल दिया। फिर मैंने सबको कॉन्टेक्ट किया, हमारी टीम को उधर बुलाया, पुलिस को बुलाया, वो कंटेनर वाले पर भी FIR किया और पालिका के ऊपर भी FIR किया। तो पालिका वाले बहुत लोगों के मेरे को फ़ोन आए, कॉर्पोरेटर के फ़ोन आए कि तुम बाबा ये केस पीछे ले लो। मैं बोला ये झाड़ को मुझे बचाना है, तुम ये झाड़ का अभी तो तुमने निकाला है ना, अभी तो तुम पर FIR होगा ही। तो उन्होंने मेरे को 10 बार फ़ोन किया, इधर उधर से हुआ, लेकिन बाद में हमने भी उनका पीछे नहीं छोड़ा, हम भी उधर ही थे। तो उन्होंने फिर क्रेन लाया, वो झाड़ को उठाया और अपना शाहू नगर का जो गार्डन है संत बहिनाभाई उद्यान वहाँ पे वो ट्री प्लांट किया है और उसका मेरे पास वीडियो भी है। ये तो हमारा सफलता था कि हमारे आजू बाजू जो झाड़ है उन पर भी हमको नज़र रखना है, उनको हमें बचाना है। इतना पुराना ट्री अगर हमारा किसका ध्यान नहीं रहता तो पालिका क्या क्या वो सब टेंडर है, वो तो आके कहाँ से भी झाड़ तोड़ के लेके जाते हैं। हमने थेरगांव में ऐसे 10 इंसिडेंट पकड़े कि हम झाड़ कैसे इनलीगल तोड़ने वाले झाड़ वो का टीम पकड़ा है, मैंने एक ट्रक पकड़ा है उसको सील भी किया था, ये झाड़ तोड़ने आए थे। तो हमें पौधे लगाने तो है, उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि अपने आजू बाजू कहाँ पे इनलीगल ट्री कटिंग चल रहा है, इस पर भी हमें ध्यान रखना है। थैंक यू। मैं थेरगांव सोशल फाउंडेशन की तरफ से गर्ग सर और घोड़के सर शेनभाई सर का आभार मानता हूँ कि उन्होंने हमें इस पर बुलाया। कल हमारा एक एक्टिविटी है, बहुत बड़ा एक्टिविटी है, हम कोकण में जो अभी निसर्ग साइक्लोन आया था उसके पीड़ित जो लोग है, तो खोपोली में एक अंग्रेजों के ज़माने का टनल था उसमें उधर आदिवासी लोग उनके घर पूरे तरह से तबाह हो गए, उनको हम मदद करने जाने वाले हैं, उनका पैकिंग हमें करना है। इसलिए मैं आप सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ क्योंकि वो पैकिंग थोड़ा बहुत बचा है तो मुझे निकलना पड़ेगा। ओके गर्ग सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया हमारा मार्गदर्शन किया और आप इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हो तो बहुत खुशी है आपसे जुड़ के हमें। थैंक यू सर, बाद बुलाओ हम आपके साथ रहेंगे। श्योर श्योर, हम आपके मिलके काम करेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू अनिकेत सर। थैंक यू। संजीवन सर। हेलो। संजीवन सर। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर आ रहे क्या? आवाज आ रहा है सर, वीडियो ओनली ऑन करो सर आपका। हेलो। यस सर आ रहा है सर, आवाज आ रहा है और वीडियो भी दिख रहा है सर अभी। हाँ करो चलो मैं। हो सर। हाँ नमस्कार, मी संजीवन सांगळे, चिखली मोशी तरोली हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन या सामाजिक संस्थेमध्ये मी काम करतो, या संस्थेचं मी जनरल सेक्रेटरी आहे। मागील 5 वर्षापासून आमच्या चिखली मोशी चरोली आणि बोसरी परिसरामधील असणाऱ्या सर्व ग्रहनिर्माण संस्थेमध्ये ज्या काही समस्या असतील त्या समस्यांसाठी आम्ही काम करतोय। आणि मला सांगायला या ठिकाणी आनंद होतोय की आपल्या या महाराष्ट्र गृहनिर्माण शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे जे संस्थापक अध्यक्ष आहेत गर्ग सर, यांनी आपल्या सर्वांसाठी अतिशय सुंदर असं व्यासपीठ हे ट्रेनिंग सेंटर उभारलेलं आहे। त्यामुळं मागील 2-3 महिन्यापासून जो आपला लॉकडाऊनचा काळ आहे, लॉकडाऊनच्या काळामध्ये या कोरोना महामारीच्या गंभीर अशा परिस्थितीमध्ये देखील आपल्या पुणे शहरामध्ये आणि पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये सर्व ठिकाणी असणाऱ्या ज्या काही गृहनिर्माण संस्था आहेत या संस्थांना अतिशय सुंदर असं एक व्यासपीठ
आणि वेगवेगळ्या समस्या किंवा वेगवेगळे मार्गदर्शन करण्यासाठी हे व्यासपीठ अतिशय सुंदर आहे. त्याबद्दल मी सर्वप्रथम या संस्थेचे संस्थापक की ज्यांनी हा ग्रुप तयार केला, हे केंद्र तयार केला, असे गर्ग सर यांचं आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे जयवंत गोडके सर आणि सर्व त्यांची टीम यांचं देखील या ठिकाणी मी अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करतो. त्यांच्यामुळं आज आपल्या या अतिशय कठीण काळामध्ये देखील ज्या काही विविध समस्या आहेत आपल्या गृहनिर्माण संस्थेच्या, त्या मांडण्यासाठी त्यांनी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं. आज देखील अतिशय सुंदर असा कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, की निसर्गाची जी काही हानी होती किंवा निसर्गाचं जे काही वातावरण आहे, हे वातावरण समतोल राखण्यासाठी वृक्षारोपण करणं अतिशय गरजेचं काम आहे. आणि आमच्या फेडरेशनमार्फत देखील मागील 4-5 वर्षापासून प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये आम्ही हे काम करत आलेलो आहोत. परंतु आज मला खरंच आनंद होतोय की देवराई फाउंडेशन सारख्या अतिशय चांगलं काम करणाऱ्या आणि रघुनाथ ढोले ज्यांना आपण ट्री मॅन असं संबोधतो, यांच्याबरोबर बोलण्याची किंवा यांचं ऐकण्याची संधी मला मिळाली. आणि यापुढे देखील गर्ग सर असतील, पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन असेल, यांच्याबरोबर आपल्या भोसरी परिसरातील सर्व गृहनिर्माण संस्था आपल्याबरोबर काम करतील. परत मी एक वेळ सांगतो की या ठिकाणी अतिशय चांगलं असं काम गर्ग सर यांनी ही संस्था किंवा हे केंद्र स्थापन करून केलेले आहे. मागील मी जास्त वेळ घेत नाही, मागील 2-3 महिन्यापासून आमच्या गृहनिर्माण संस्थेमध्ये असणाऱ्या विविध समस्या असतील, त्यामध्ये कन्व्हिन्स डीड असेल, कन्व्हिन्स डीड करत असताना येणाऱ्या अडचणी, टीम कन्व्हिन्स काय आहे, त्याचप्रमाणे मेंटेनन्स कसा गोळा करायचा, ऑडिट काय असतं, असे विविध प्रश्न, विविध समस्या या वेबिनार मार्फत, या संस्थेमार्फत, या प्रशिक्षण केंद्रामार्फत आपण सर्वांनी सोडवलेले आहेत. त्याबद्दल मी परत एकदा आपल्या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. आणि आजचा जो कार्यक्रम आहे, जो ट्री झाडे लावण्याचा किंवा वृक्षारोपणाचा, हा देखील अतिशय सुंदर कार्यक्रम आहे. आणि भविष्यामध्ये देवराई फाउंडेशन असेल किंवा आपलं पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग फेडरेशन असेल किंवा आपली सर्व मंडळी असतील, यांच्याबरोबर आम्ही देखील सर्वजण मिळून हे काम करू. आणि अशा प्रकारे मी सर्वांचं, आपण सर्वांनी या ठिकाणी बोलवलं आणि बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल गर्ग सर गोडके सर यांचं मी, डॉक्टर गोडके सर यांचं आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद सर. थँक्यू सर, थँक्यू फॉर युअर काइंड वर्ड. वी विल वर्क टुगेदर विद यू और इसके बाद मिलेंगे सर. धन्यवाद सर. अभी हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे. इसमें हमारे साथ टाटा मोटर के लोग सुदर्शन आंबेकर सर, न्यूरेश कुलकर्णी सर और पीटर डिसूजा सर, वो भी जुड़ेंगे. डीवाई पाटिल से रोहिणी, डॉक्टर रोहिणी और डॉक्टर हीरेमठ बिश्वराज सर. सो नाउ आई इनवाइट शेडबले सर एंड ढोले सर फॉर क्वेश्चन. या आई एम देयर सर. गोडके सर नाउ यू टेक ऑन. सर यस सर. सर पहिला प्रश्न आहे की माझी सोसायटी आहे त्याच्यामध्ये 300 फ्लॅट आहेत. तर या 300 फ्लॅटच्या मध्ये जी जागा आहे ती साधारणतः 6 गुंठे आहे. तर या 6 गुंठ्यामध्ये मी काय करू? आणि तुम्ही सोसायट्या बघताय आजकाल, तर या प्रत्येक सोसायट्यांमध्ये डांबरी रोड आहेत, त्या लोकांना जमिनीचा जो भाग आहे तो खूप कमी असतो, म्हणजे बॉर्डर जी असते ती असते. तर त्या ठिकाणी कुठली झाडं लावायची, जरा थोडंसं मार्गदर्शन हवं होतं लोकांना. नक्कीच, त्या ठिकाणी तुम्ही 6,000 स्क्वेअर फुटाची जी जागा आहे त्या याच्यामध्ये अप्रॉक्सिमेटली मी तुम्हाला सांगेन किमान 50 तरी झाडं त्या ठिकाणी लागू शकतील. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन मी तुम्हाला सांगेन जर का प्रत्यक्षामध्ये तो लेआउट दिसला, म्हणजे कुठे स्पेस आहे, आसपास काय त्या ठिकाणी बिल्डिंग वगैरे आहेत हे बघून त्या ठिकाणी आपण प्लॅन करू. तिथला टेरेन कसा आहे, तिथली सॉईल कशी आहे, रॉकी टेरेन आहे की फर्टाईल आहे हे बघून त्याप्रमाणे आपल्याला ज्या काही स्पेसेस आहेत ते आपल्याला ठरवता येतील. आणि त्यामध्ये मी मगाशी सांगितलं तसं खर्च अत्यंत कमी येतो आणि त्यामध्ये आम्ही पूर्णपणे तुम्हाला सहयोग देऊ. कशाप्रकारे ते उभं करायचं, त्याची काळजी कशी घ्यायची मी तुम्हाला नक्की सांगेन. मी मगाशी चॅटबॉक्समध्ये माझा स्वतःचा आणि माझ्या ढोले सरांचा दोघांचे मोबाईल नंबर दिले, तोच व्हॉट्सअपला आहे आमचा दोघांचाही नंबर. आणि आमचा ईमेल आय डी जो आहे तो देवराई फाउंडेशन पुणे @gmail.com आहे. त्याच्यावर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा, नक्की तुम्हाला मी सहकार्य करू. ह्या पावसाळ्यामध्येच तुम्हाला त्या ठिकाणी व्यवस्थित प्लांटेशन उभे करून देण्यासाठी तर पूर्ण सहकार्य आम्ही देऊ. ओके सर, दुसरा प्रश्न होता की तुम्ही हे जे ट्री प्लांटेशन ड्राईव्ह करता तर ते एक्झॅक्टली कसे करता, थोडी आम्हाला त्याची माहिती मिळाल तर बरं राहील. अगदी सोपं आहे खरं सांगायचं तर, हे रॉकेट सायन्स अजिबात नाही किंवा त्या ह्याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन्स असे अजिबात काही नाही आहेत. आम्ही स्वतःच आम्ही बॅग्स, म्हणजे ढोले सर सगळ्या खरेदी करतात आणि आम्ही सगळीकडे, जेव्हा मी मगाशी सांगितलं तसा फ्लॉवरिंग सीझन जो काही असतो त्या सगळ्याच सगळ्या ह्या झाडांचा, तर तो आम्ही ऑब्झर्व करतो. अर्थात आम्ही बरेचसे त्यासाठी कोर्सेस केले आहेत. मी आणि ढोले सरांनी 2009 कोर्स केला, पूर्ण 1 वर्षाचा कोर्स होता तो.
तर तो आम्ही केला, त्याच्यानंतर पर्यावरणाशी पूर्णपणे आम्ही जोडले गेलो. तर ते समजावून घेतो ना, त्यानंतर फ्लॉवरिंग सीझन नंतर येणारा जो फ्रुटिंग सीझन असतो त्यावेळेला आम्ही त्याचे सीड्स कलेक्ट करतो, आणि त्याच्यानंतर साधारणतः मे एंडला आम्ही ह्याचे सीड जे काय आहे त्याचं सोईंग म्हणू आपण, त्याचं रोपण करणं आमच्या देवराई नर्सरीमध्ये ठेवूरचे आम्ही सुरू करतो. वर्षभर साधारणतः ते रोपं वाढवतो आणि त्यानंतर ते आम्ही मगाशी म्हणालो तसं जे काही बेसिक सहा प्रश्न आहेत ते विचारतो आणि समजावून घेतो आम्ही कुठे आहेत, का आहे, लोक रिलायबल आहेत, करतील रोपांची मुलाप्रमाणे काळजी घेतील, आणि त्यांना आम्ही ते दत्तक देतो आम्ही ही सगळी रोपं. अगदी इतकी साधी प्रोसेस आहे, तुम्ही तुमच्या ठिकाणी करू शकाल. मगाशी मी म्हणालो तसं तुमच्या ठिकाणी पण तुमच्या आसपास तुम्ही नर्सरी उभी करत असाल तर तुम्हाला त्याचं पूर्ण सहकार्य देऊ. आमच्या देवराई फाउंडेशनच्या थेऊर नर्सरीमध्ये या, अपॉइंटमेंट घेऊन या फक्त आमच्याशी बोलून, आणि त्या ठिकाणी कशा प्रकारे आपण रोपं तयार करू शकतो ह्याचं प्रशिक्षण पण देऊ आणि तुम्हाला रोपं सुद्धा द्यायची आम्ही व्यवस्था करू. ओके सर, पुढचा प्रश्न होता कि तुम्ही हे जे काम करता, आप ये सारा काम कर रहे हैं तो उसमें कई अच्छे अनुभव आपको आए होंगे और कई बुरे अनुभव आए होंगे, तो थोड़ा सा आप अच्छा बताएंगे और बुरा भी बताएंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा. अच्छा, यानी कि मैं आपको बता दूं, दो दिन पहले नगर से दो टीचर्स आए थे. उन्होंने यानी कि अभी हम लोग जो फेस टू फेस तो बात नहीं कर रहे हैं या हम लोग आप लोग हमारा जो काम है उसको देख नहीं पा रहे हैं. जब आप नर्सरी आएंगे वहाँ का जो टोटल जो माहौल है वो देखेंगे, और जिस तरीके से हम लोग सेल्फलेसली इसको हम लोग डोनेट करते हैं और जिस तरीके से प्रयास लेके हम लोग इसको निर्माण कर दें इन पौधों को, तो वो देख के दो दिन पहले जो टीचर्स आए थे उन्होंने जबरदस्ती ढोले सर को नमन किया, साष्टांग नमस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं, और बोले कि आप यानी कि सही में आप ईश्वर हो. अब ये जो ना इस प्रकार के अनुभव तो हमें बहुत सारे आते हैं. अब हम लोग अगर बहुत सारे आते हैं, मैं एक क्या दो में कितना बताऊं आपको. अभी भी बहुत सारे एप्रिसिएशन के फोन कॉल वगैरह आते हैं लेकिन हम लोग उसमें लॉक होके नहीं बैठते हैं. हमें मालूम है वी आर सर्विंग द एलिंग मदर अर्थ, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं. शी इज इन डायर नीड ऑफ आवर कॉन्जर्वेशन एक्टिविटीज. उसको बुखार आया है, हाई फीवर है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, उसको कम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. बुरे अनुभव, पूरे अनुभव क्या बताऊं मैं आपको, नहीं है. मैं आई डोंट विश टू कैन से एमिट एनी नेगेटिविटी, नहीं है, फॉर्चुनेटली नहीं है. है तो भी बहुत नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नहीं है. बुरे अनुभव का मतलब है आपके इसमें हर्डल आए कौन से और उसको आपने और कैसे किया? नहीं आया. हाँ शेडवाले साहब, आवाज अजिबात ऐकू येत नाहीये तुमचा, मध्ये मध्ये. जयवंत सर, एम आय ऑडिबल? व्हेरी मच ऑडिबल. सो आय थिंक सर तुम्ही जे कोणी प्रश्न विचारला सर, मला असं वाटतं तुमच्याकडे थोडस ऑडिओ तुम्ही चेक करून घ्या प्लीज. तो मैं ये कह रहा था कि इसमें समस्याएं क्या आते हैं, जैसे अभी एक COVID-19 का जो लॉकडाउन आया तो सीड कलेक्शन कैसे करें हम लोगों को, उसके लिए जो प्लास्टिक बैग चाहिए नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए उनको कैसे करें, कहाँ से उनको लेके आए, और इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है. और एक ऐसी बहुत सारी यूनिक समस्याएं ऐसी आती है कि वहां पर लोग टेम्पो भेज देते हैं. आप यानी कि अंदाज लगाइए, 1 लाख पौधे हम लोगों को डोनेट करने हैं और बहुत सारे केस में क्या होता है कि सर आई एम सॉरी मेरे पास कोई आदमी नहीं था तो मैंने सिर्फ टेम्पो भेज दिया, आप भी उसको भर के दे दो. तो ये बहुत मुश्किल होता है, हमारे पास मैन पावर नहीं रहती है. हमारे जो पौधे तैयार करने का जो काम है उसके लिए वहाँ पर जो मैन पावर है हमारी वो ही हम लोगों को यानी कि शॉर्ट होती है. इसके अलावा मैं क्या बताऊँ आपको, गवर्नमेंट को हम लोग ये प्रपोजल देते कि दिस इज सो सिंपल थिंग, सो ड्यूएबल, सो इकोनॉमिकल, व्हाई डोंट यू डू इट. लेकिन हमारे पास चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं द हाईएस्ट अथॉरिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन, तो वो लोग जब आते हैं हमारे यहाँ ऐसे 4 से 5 CCF लेवल के लोग आके गए हैं लेकिन होता ये है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है. अब क्यों नहीं होता है आप लोग भी उसका अंदाजा लगा हो, क्यों नहीं होता है उसका. मेरा एक सिंसियरली मैं कहता हूँ ट्रांसपेरेंटली, शायद से गवर्नमेंट को जो इकोनॉमिकल मॉडल से कोई भी हो, मैंने देखा है अभी तक, क्योंकि मैं स्मार्ट सिटी के पिंपरी चिंचवड का जो कोर टीम है उसका भी मैं हिस्सा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट को सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन शायद से नहीं चाहिए जिसमें कैपेक्स हो, जिसमें करोड़ों रुपए लगे हुए हो, लगे ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए लोगों को या गवर्नमेंट को. अनफॉर्चुनेटली ये फैक्ट है. तो ऐसे जो अनुभव आते हैं उसका दर्द बिल्कुल होता है और ये लिमिटेशन मुझे लगता है, बाकी कुछ नहीं, बट स्टिल वी आर गोइंग स्ट्रांग.
थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें आपके साथ जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? बस आप जहाँ कहीं हैं वो आप पौधे लगाना शुरू करो. थोड़ा सा सजगता से अपने आसपास जो पंछी है, आपके आसपास जो पेड़ है उनको देखो. अभी अनिकेत ने बहुत बढ़िया बताया, TSF थेरगांव सोशल फाउंडेशन जिस तरीके से डट के वहाँ पर काम कर रही है, बस आप करिए और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाइए. हम लोग अभी कल भी जा रहे हैं कहीं पर सीड कलेक्शन के लिए, एक नर्सरी निर्माण करने के लिए. एक बड़ा हमारा एक वो एक मिशन है कि जो जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनको हम लोग एम्पावर करने जा रहे हैं, नर्सरी बनाने के लिए जा रहे हैं हम लोग नाने घाट में. तो उस तरीके से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होने के बाद वी लेट यू नो हाउ टू गो अबाउट एंड हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट. डेफिनेटली आई हैव गिवन माई मोबाइल नंबर, ढोले सर मोबाइल नंबर, यू जस्ट बी इन टच विद अस, वी लेट यू नो हाउ टू गेट कनेक्टेड. एक्चुअल काम करने के अलावा जो मीडिया संभालना है, लोगों को संभालना है, कोऑर्डिनेशन करना है, गवर्नमेंट या बाकी जो भी लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, ये फेडरेशंस है, सोसाइटीज है, अलग अलग संस्थाएं हैं, उसमें भी बहुत सारा काम है. कुछ प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है. मैं क्या बताऊँ, ये जो प्रेजेंटेशन है आज दोपहर में मेरे लड़के ने मुझे सहायता की है, रोहन ने, तब जाके मैं बना पाया. लेकिन वो भी वक्त मेरे पास नहीं रहता, इतने फोन कॉल्स आते रहते हैं. मेरा खुद का बिजनेस है तो वो भी मुझे देखना तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी चैलेंजेस है. तो वी नीड द हेल्पिंग हैंड्स एंड द ब्रेन्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम्ही दोघे जण सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहोत नवरा बायको, आम्हाला खूप झाडं लावायची आवड आहे पण आम्हाला कोणाची साथ मिळत नाही. तुमचं आम्ही ऐकलं म्हणजे आपण जे प्रेझेंटेशन पाठवतो किंवा काम पाहतो ते युट्यूबवरती पाहिलं, आम्हाला असं वाटलं की तुम्हाला जॉईन व्हावं नवरा बायकोना, तर त्या केसमध्ये तुमची कुठं माहिती मिळेल का, तुम्ही कुठं झाडं लावायला जाता किंवा काही ऍक्टिव्हिटी करता, तर त्या ऍक्टिव्हिटीसाठी आम्ही जॉईन होऊ शकतो का? तुम्ही जिथे कुठे असाल तुम्ही मला प्लीज कॉन्टॅक्ट करा. उद्या मी रिचेबल असणार नाही, मी रिमोट एरियामध्ये निघालेलो आहे. तुम्ही परवा दिवशी मला कधीही मेसेज करा, आय विल रिप्लाय यू. तुम्ही ज्या कुठे असाल त्या ठिकाणी तुम्हाला हाऊ यू कॅन कॉन्ट्रीब्युट अँड गेट कनेक्टेड विथ द नेचर कॉन्झर्वेशन ऍक्टिव्हिटी, आय विल मेक शुअर दॅट. ओके, थँक्यू सो मच. सर फेसबुकवरती आपल्या काही ऍड वगैरे असतात का, म्हणजे उद्याचा कार्यक्रम किंवा काही असतं, सो दॅट आपण सांगू शकतो? खरं तर आमचं, मी जसं म्हणालो सावरकर मंडल आमची NGO आहे, त्या ठिकाणी आम्ही करतो. वसुंधरा जो ग्रुप आहे त्या ठिकाणी तीन ग्रुप वेगवेगळे काम करतात, त्यांचे त्या ठिकाणी ग्रुप्स आहेत. चतुश्रृंगी हिल्स आहे, जे कुणी जिथे कुठे काम करतात त्या त्या ठिकाणी ग्रुप्स आहेत. आमचा स्पेसिफिकली देवराई फाउंडेशनचा आमचा एक कोर ग्रुप आहे, तर त्यामध्ये पण आम्ही त्या ॲक्टिव्हिटीज टाकत असतो. मला तुम्ही जर का तुम्ही कोणत्या एरियामध्ये काम करता जर का सांगितलं, तर आम्ही आमच्या त्या ग्रुपमध्ये तुम्हाला डेफिनेटली विल प्लेस यू इन दॅट ग्रुप. आणि आमचा जो कोर ग्रुप असेल त्याच्या ज्या काय ऍक्टिव्हिटीज असेल त्या पण आम्ही तुम्हाला टाकत राहू. आम्ही देवराई फाउंडेशनचं फेसबुक पेज अजून ओपन केलेलं नाही, पण तेही आता आम्ही लवकरच आता ओपन करू. इफ समबडी कम्स फॉरवर्ड अँड टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हँडलिंग द फेसबुक पेज, द सोशल मीडिया, वी वुड लव टू गेट कनेक्टेड अँड वी वुड लव टू गेट द सपोर्ट. थँक्यू. ओके, थँक्यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की सर सोसायट्यांमधली झाडं जर काढायची असतील रोड वाइडनिंगसाठी किंवा कायसाठी, तर त्याला ट्री ऍक्ट लागू आहे का, त्याच्यासाठी काय करावं लागतं? व्हेरी मच, फारच लागू आहे. ट्री ऍक्ट 1975 लागू आहे. आणि काढायचे असतील काही जर का खरोखर ज्युनियन प्रॉब्लेम जर का असतील तर आपण काढू शकतो. जिथे कुठे तुम्ही आहात तिथली जी ऑथॉरिटी असेल, आता पिंपरी चिंचवड, पुणे, मुंबई किंवा अशा काही असतील, तर त्या ठिकाणी तुम्ही कॉर्पोरेशनला अप्रोच व्हा, कॉर्पोरेशनची मदत घ्या, अप्लिकेशन द्या ट्री ऑथॉरिटीकडे, त्याच्यानंतर त्यांच्याकडून परमिशन घ्या आणि तुम्ही ते काढा. पण जिथवर शक्य आहे तिथवर तुम्ही ते वाचवायचा प्रयत्न केला, वाचवू शकला नाही तर त्याचं ट्री ट्रान्सप्लांटेशन कसं करता येईल ते बघा. आणि अगदी जर का शक्य नसेल तर मग तुम्ही ते काढा, हे माझं तुम्हाला सांगणं असेल. थँक्यू. ओके, थँक्यू सर. सर आता सायक्लोन येऊन गेलं, तर सायक्लोनमध्ये ऑलमोस्ट बऱ्याच टेकड्यांवरती झाडं पडली, आणि ही पडलेली झाडं त्यांच्यासाठी काही करता येईल का, आणि जर करता येत असेल तर कृपया आम्हाला मार्गदर्शन करा. दुसरी गोष्ट म्हणजे की ही पडलेली झाड तर ही गव्हर्नमेंटची जबाबदारी नाही आहे का की त्या झाडांना उचलावं? फॉर एक्झाम्पल गोराडेश्वर जी टेकडी आहे त्याच्यावरती ऑलमोस्ट 200 वरती झाडं पडलेली आहेत, पण आता एक आठवडा झाला तरी कोणी त्याच्याकडे बघितलेलं नाही आणि बघणार सुद्धा नाही असं लोकांना वाटतं. खरं सांगायचं तर मी मगाशी एका गोष्टीचा उल्लेख केला, गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज, त्यावेळेला थोडेस गव्हर्नमेंटच्या ऑथॉरिटीजची जी काही साईड आहे त्यांची बाजू जी आहे ती थोडीशी आपण बघूया. त्यामध्ये होतं कसं, म्हणजे त्यांच्या ज्या डिवाईन सेफच्या अंडर आहेत, म्हणजे त्या लक्ष्मी मॅम म्हणून आहेत, ज्या IFS ऑफिसर आहेत, तर त्या आमच्याकडे सावरकर मंडळमध्ये गेल्या वर्षी आल्या होत्या. त्यांनी सांगितलं त्यांच्या अखत्यारीमध्ये 3 लाख एकर इतकी जागा आहे, आणि त्याच्या सिक्युरिटीसाठी
and to take care of that much of land, she has a force of just 300 forest guards. तर आपण अंदाज लावू शकतो 300 फॉरेस्ट गार्ड 3 लाख एकर म्हणजे साधारण मला वाटतं 1000 एकर एका ह्याच्यासाठी म्हणजे काय म्हणू आपण फॉरेस्ट गार्डला इतके जागा आहे ते कसं करणार हे लोक. तर मला असं वाटतं की त्यांचे काही लिमिटेशन्स आहेत त्यामुळे म्हणजे काम त्यांचं करणं ते एफिशियंटली करणं हा एक भाग आहे त्याबद्दल आपल्याला माहिती आहे पण ही दुसरी जी बाजू आहे लिमिटेशनची ती आपण समजावून घेतली पाहिजे. मला असं वाटतं की ती समजावून घेतली तर काम सुकर होईल. आपण थोडासा पुढाकार घेऊ आपल्यासारख्या ज्या काही आहेत सगळ्या ह्या संस्था त्यांनी पुढे यावं आणि ते करावं. नक्की त्या ह्याच्यामध्ये टेक्निकल एक्सपर्टाईज म्हणून देवराई फाउंडेशन असेल किंवा ट्रान्सप्लांट करणारे खरोखरच लोक आहेत कॉर्पोरेशनची आपण मदत घेऊ बाकीचे लोक आहेत सोशल मीडियावर तुम्हाला असे असंख्य लोक मिळतील. तर अश्विनी भट मॅडम आहेत नाशिकला त्या काम करतात एक जण धुळ्याला आहेत त्यांना आपण जोडून देऊन आपण हे नक्कीच काम करू शकू. पण एक सांगतो ट्रान्सप्लांटेशन हे फायकस जातीची जी काही स्पेसिस असतात तर त्याचं होतं बाकीच्या ह्याच्यामध्ये सर्व्हायवल रेट फार कमी असतो. आता ही फॅक्ट आहे हे मला फक्त तुम्हाला सांगायचं आहे. थँक्यू. ओके सर थँक्यू. और कोई क्वेश्चन है क्या ग्रुप में से दे कैन रेज देयर हैंड. मैंने सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे थे उनको पूछ लिए सर को. सो इफ समवन वांट टू आस्क क्वेश्चन दे कैन रेज देयर हैंड एंड दे कैन आस्क डायरेक्टली. हाँ बोलिए सर. हेलो बोलिए सर. मला शिरवाळे सरने विचारायचं आहे समर मध्ये काही सोसायट्यांमध्ये पाणी देत नाही झाडांना काय कारण सांगतात त्याचे कसे हे सांगायचे सोल्युशन काय त्याला ते मुलाला मार द्यायचं काय कोणाला हे करायचं दोन टँकर पाणी देऊ शकत नाही का आपण एक तरी रिसायकलिंग लावत एक तरी रिसायकलिंग लावत नाही एवढं पाणी वापरतोय आणि झाडांना समर मध्ये पाणी देत नाही म्हणजे पावसाळ्यात तरी ऑटोमॅटिक येतो. सर 100% द्यायला पाहिजे सहमत आहे माझी तुम्हाला सिन्सिअरली रिक्वेस्ट. काय प्रोव्हिजन आहे काय सांगा ना आम्हाला हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी कोणाला सांगायचं हे. सर माझं एकच सांगणं आहे पाणी पाहिजे म्हणून आम्ही रडत असतो काहीतरी उगीच तर पैसे देऊन करतो झाड कोणाला पैसे रडणार आहे कोणाला पैसे देणार आहे. सर अगदी अगदी अत्यंत संवेदनशील प्रश्न आहे सर तुमचा. आय अप्रिशिएट युअर म्हणजे काय युअर सेन्सिबिलिटी अँड युअर वे ऑफ थिंकिंग. खरं आहे सर माझं तुम्हाला हेच सांगणं आहे सर ज्या काय आता हे आपल्याकडे आता हे आपल्याला महाराष्ट्र CHS तुमच्या सोबत आहे त्यांना सोबत घ्या कॉर्पोरेशनला तुम्ही सांगा. तर ह्या याच्यामध्ये सर थोडस तुमच्या लोक कॉर्पोरेशन मध्ये पण जाऊन येतात पण पाणी पिण्याचा होत नाही. सर तुम्ही राहायला कुठे आहात. निधन टावर म्हणून आहे वाकडला. वाकडला सर तुम्ही मला प्लीज कॉन्टॅक्ट करा परवा दिवशी. मी आय विल डेफिनेटली डू माय बेस्ट यू रेस्ट अश्युअर्ड. आय विल मेक शुअर की आपल्याला तुम्हाला पाणी मिळेल त्या ह्याच्यासाठी कशासाठी त्या प्लांटसाठी सर. पण बेसिक इश्यू हा होतो सर आनंद वाटेल सर नक्की नक्की. आय विल डू माय बेस्ट. माझं जे काही नंबर तुमच्या नंबर साठी रिक्वेस्ट केले पर्सनली ते मला नंबर पण पाठवले. ठीक आहे सर. सर मी पाठवलेला आहे चॅट बॉक्स मध्ये मी शेअर केलेला आहे चॅट बॉक्स मध्ये मला दिसलं नाही म्हणून मी परत. ठीक आहे सर. जयवंत सर किंवा गर्ग सर तुम्हाला देतील सर माझे नंबर त्यांच्याकडे आहेत आमचे दोन्ही नंबर मी घेईन त्यांच्याकडून. मी तुम्हाला आभार मानतो आणि हे थँक्यू सर. देवराई फाउंडेशनची हे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर म्हणून तुमचे ऑफिस आहे ना. नाही नाही सर आमचं ऑफिस खरं तर घरातूनच आम्ही ऑपरेट करतो कुठेही आमचं असं असं स्पेसिफिक ऑफिस नाही आहे. आम्ही तो खर्च करत नाही आम्ही घरातूनच ऑपरेट करतो. तिथे जागा द्यायला तयार आहेत ते. मग सर आम्ही करायला तयार आहे आपण ह्या विषयावर निवांत बोलू आणि 100% करू सर. नक्की. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. जयवंत गुडके सर आम्हाला थोडा नंबर शेअर करायचे. नक्की नक्की सर मी ग्रुप मध्ये शेअर करून देतो सरांचा नंबर आणि थँक्यू सर. सर रस्त्यावरच्या झाडांवर ना कोण रिस्पॉन्सिबल असतो त्यासाठी काही करता येतं का काही लोक असतात का रस्त्यावरची झाडं असतात त्याला. आय डिडंट गेट यू जयवंत. सर रस्त्यावरती जी झाडं लावतात कॉमन याच्यावरती मध्ये डिवायडर म्हणून तर त्याला खाली असतो का. नॉर्मली काय होतं ही झाडं त्यांना काही झालं तर नो वन टेक्स केअर ऑफ दोज प्लांट्स
मग त्या केस मध्ये कोण काळजी घेऊ शकतो, कॉर्पोरेशन? कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिट मध्ये असलं तर डेफिनेटली कॉर्पोरेशन, जिथे कुठे तुम्ही असाल. आणि जर का कॉर्पोरेशन लिमिटच्या बाहेर असेल तर मोस्टली ZP असते, जिल्हा परिषद. नसेल जर का हायवे जर का असतील तर स्टेट हायवे जर का असतील तर MSRDC, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंटर्न PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. नॅशनल हायवे जर का असेल तर NHAI, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सगळ्याचे वेबसाईट्स उपलब्ध आहेत. नसेल तर आपले सरकार म्हणून ॲप आहे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं, ते तुम्ही वापरा. ऑनलाईन तुमच्या कंप्लेंट द्या आणि ग्रिव्हेन्स रिड्रेसल म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं आपल्याला ॲप आहे, ते तुम्ही डाउनलोड करा. त्याच्यावर तुमचे कंप्लेंट जे असेल ते द्या, नक्की त्याचा इम्पॅक्ट हा होतो. थँक्यू. थँक्यू सर. सर और कोई क्वेश्चन है क्या ग्रुप में किसी को? दे कैन आस्क डायरेक्टली टू सर. आई थिंक इट इज 20:52, सो वी आर रनिंग लेट बाय 22 मिनट्स. गर्ग सर, मैं सुदेश राजे सर को इनवाइट करता हूँ. सर दो मिनट, समवन वांट टू आस्क अ क्वेश्चन लेडी. ओके ओके, प्लीज गो अहेड. सर मेरा सवाल ये है कि हमारी सोसाइटी में मतलब छोटी सी सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग है और बिल्कुल जगह नहीं है ट्रीज ग्रो करने के लिए. और ये पहले एक बंगलो था जो अब रीडेवलप होके बिल्डिंग बनी है. तो इसमें हमारे पास पुराने पेड़ हैं जिन्हें मैं बचाना चाहती हूँ. बिलीव मी, पूरी कमेटी में आई मस्ट बी दी ओनली वन जो ट्रीज को बचाना चाहती हैं. और बाकी लोगों के आई शुड से दिस on the public portal, but they are not interested in saving the tree. So how can I work on this? Mujhe aap please guide. Ma'am kahan rehti hai aap? Chembur, Mumbai. Oh, acha acha, theek hai ma'am. I will get connected you. Please note my number. We have our network in Mumbai also, so I will do my best. Aur yahi hai ki shayad unko lagta hai ki God's gift hai jo oxygen hai. Aur iske yahi to apna jo misconception hai wahi to problem hai. तो उसको हमें बदलना पड़ेगा. विल डू अवर बेस्ट. प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन मंडे मैम एंड देन डेफिनेटली विल डू अवर बेस्ट टुगेदर. जी सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड वी विल सेव टुगेदर, डोंट वरी. थैंक यू सर. थैंक यू. गर्ग सर जी, आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर. थैंक यू शेड वाले सर, आपने बहुत अच्छे से सभी सवालों के जवाब दिए. नाउ मैं आई रिक्वेस्ट सुदेश राजे सर है क्या, चेक करो सुदेश राजे. सर ही इज देयर. हाँ सुदेश सर. सर आई थिंक उनको नेटवर्क कोई कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा लग रहा है. कोरोना वायरस या COVID-19 से आज पूरा देश कर रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है. यस सर, यस सर. गर्ग सर. हाँ गोड़के सर, आप बोलिए फिर है ना. और आपने आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर. आज का जो ये कार्यक्रम देवराई फाउंडेशन की तरफ से धनंजय सेठवाले सर, रघुनाथ डोले सर और आर्ट ऑफ लिविंग तरफ से रमेश रमन सर ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमें प्राणवायु का जो महत्व है वो और ज़्यादा समझ में आया. और हमें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ये वनस्पति का जो उसका आगे हमें आगे से आगे बढ़ाना है. और जो भी जहाँ पर भी बैरन
लैंड हो रही है उसकी रक्षा करना है और अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। और हमारे को सबसे बड़ी खुशी है कि जिन्होंने 10 लाख पेड़ लगाए ये देवराई फाउंडेशन से, तो ये एक बहुत हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है। तो हमारे साथ में जो संजीवन सिंगले सर जुड़े, अनिकेत प्रभु सर जुड़े, जो टाटा मोटर के लोग जुड़े हैं, और हमारे जो संस्थापक मंडल हैं जिसमें घोड़के सर हैं, सुदेश राजे सर हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये कार्यक्रम की का पहला भाग है। कार्यक्रम का दूसरा भाग है कि हम ने सर से बोला है कि वो लिस्ट के हिसाब से हम 2003 के लिए हम एक जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करेंगे, और काफ़ी लोगों से हमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि वो अपनी सोसाइटी में प्रोग्राम ये पेड़ लगाना चाहते हैं, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना ही खाली बोलना चाहता हूँ। ये सुदेश राजे आए अभी, बोलना चाह रहा हूँ, देखो तुम छोड़ के। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ, सेइंग समथिंग शायद उनका आवाज नहीं आ रहा है सर। म्यूट आ रहा ना उनका? नहीं सर, उनका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आवाज आ रहा है, शायद नेटवर्क कनेक्शन का कंसर्न रहेगा सर उनको। इसमें मुझे उनका माइक म्यूट दिख रहा है। सर पॉसिबल नहीं है। हाँ अभी माइक निकल गया, म्यूट निकल गया लगता है। हाँ क्या? सर बट तो सर कंट्रोल कैसी है? हाँ जी, हाँ जी, ओके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को अद्भुत ढंग से प्रेजेंट करने के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपने सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से, आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कंटिन्यूअल सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। प्रोग्राम में लोग ही ज्यादा नहीं थे।